क्योंकि हमने सबसे हाई वेटेज चैप्टर सबसे पहले कर लिए तो जो डिफिकल्ट चीज मैं ऐसा मानती हूँ जो भी सबसे डिफिकल्ट चीज होती है ना उसको पहले करके निपटा देना चाहिए और मेरी हमेशा कोशिश हर बैच में भी यही होती है द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग शुड बी डेल्ट एट फर्स्ट तो वही मैंने आप सबके साथ भी किया था हम आगे काफी बढ़ चुके हैं क्योंकि हम अराउंड 60, 70 मार्क्स का पेपर जो कि 70 से ज्यादा अब आप सेवेंटी मार्क्स का पेपर हमारे जेनेटिक्स में से आता है देन बेटा जी 12 सवाल हमारे 11 से 12 सवाल हमारे बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी में से अगर 11 भी बनते हैं तो सेलेवन फोर फोर्टी फोर मार्क्स हमारे बायोटेक्नोलॉजी में से आते हैं एंड आज हम शुरू कर रहे हैं मतलब कब कम से कम 130 से से ऊपर नंबर तुम गेन कर चुके हो उन दो यूनिट अगर तुमने अच्छे से उसकी तैयारी की है सारे टेस्ट दिए हैं आज बेटा जी हम एक ऐसा यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही स्कोरिंग है जो कि बहुत ही आसान है जिसमें हम बेसिक एनवायरमेंट के बारे में बातें कर रहे होंगे वो ऐसा हमारे स्कूल में कॉलेज में भी ये चैप्टर जरूर होता था ये सब्जेक्ट होता था रादर ईवीएस तुम्हारे होता था ईवीएस एनवायरमेंटल साइंसेस तो हम उसको ईवीएस बोलते थे, थे तो जिस दिन ईवीएस का एग्जाम होता था पीपल ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी लाइक अब तो आसान आसान है ये मैथ इंग्लिश और साइंस ही टफ होती है ईवीएस टफ नहीं होता तो ये आपकी पूरी बायो का ईवीएस है ईवीएस टफ नहीं होता है इकोलॉजी टफ नहीं होती है इकोलॉजी बहुत ही आसान है स्कोरिंग है सबसे बड़ी चीज

फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो अगर सब बच्चे रेडी हैं तो हाँ ऐसे में नहीं रेडी है तो कोई बात नहीं मैं भी बैठ जाती हूँ मुझे भी रिलैक्स कर लू फिर मैं एक और इसमें झोल बताऊंगी जो इस समय चल रहा है आपके सामने रेडी है तो सेशन को लाइक कर दो कम ऑन गाइज फास्टली लाइक द सेशन इमीजिएटली यस जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे जल्दी 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 सीट मैम कुछ नहीं करती है ऐसे करती है कि तुम क्लास में लर्न करके जाओ मेरे साथ लर्न करने के लिए रेडी हो जाओ अगला डेढ़ 90 90 की तुम्हारी वो ही नहीं है ना क्या कहते हैं नहीं है सब में 90 minutes बैठने का। और ये बहुत सच्चाई है आज अपने आप को जज करके देख लेना चाहिए पंद्रह मिनट से ज्यादा एक बच्चा बिना हिले डुले क्लास लगा ले तो भाई धन्य हो जाएंगे हम पता चल जाएगा कि ये तीन घंटे का पेपर दे देगा लेकिन तुम्हारी इससे ज्यादा तो सिटिंग पावर होती नहीं है अगर है तो आज प्रूव करके दिखा दो अगर तुम में ये बात है तो आज प्रूव करके दिखा दो है ना जी इस यूनिट को तैयार करना है वो बात है तो आज प्रूव करके बता ही दो नहीं बेटा अभी पूरी अटेंडेंस नहीं लगी है जब तक अटेंडेंस नहीं लगेगी आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक इसमें झोल बता दू झोल बेटा जी ये है एक सेकेंड ये तो सुपर नोट खुल गए थे झोल ये है कि जब हम आते हैं यहाँ पर न्यू एनसीआरटी में न्यू में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पोर्शन दिया हुआ है दैट इज पॉपुलेशन लेकिन जब तुम अपनी ओल्ड एनसीआर खोलते हो जब तुम अपनी ओल्ड एनसीआर खोलते हो तो तुम्हें बेटा जी यहाँ जब देखते हो दो पार्ट दिए हुए हैं इसके वन इज ऑर्गेनिज्म अदर वन इज पॉपुलेशन फिर बच्चों के बीच में जंग आई क्या मुझे ये ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एन जो न्यू टी में से काट दिया गया है क्या काट दिया गया है है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मुझे इसका पहला पोर्शन करना करना या नहीं करना? तो इसके लिए बेटा जी हम जाएंगे नोटिफिकेशन जो कि अभी हाल ही में आपको था इसमें बहुत क्लियरली एक बात लिखी थी पे इटैलिक्स में लिखा था ये जो एक्सटेंशन वाला नोटिस था इसमें लिखा हुआ था देयर विल बी नो चेंज इन दर्मस एंड कंडीशन एक्सेप्ट फॉर दिलेबस इन कंपेरिजन टू द नीटी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अपन ने सिलेबस चेंज किया है बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वैसी ही रहेगी तो यानी कि इसके लिए मेरे को आपको सिलेबस डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा ये देखिए बेटा ये न्यू बुलेटिन है

इस चैप्टर में ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है हमें ये वाला पोर्शन करके जाना पड़ेगा अब आए ना आए वो एक अलग बात है लेकिन सिलेबस में दे दिया है तो बेटा दिमाग तो हमारा सर का नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे अब बाकी बेटा आपकी इच्छा है मेरे हिसाब से करके जाना चाहिए और ये मैं कराऊंगी ही बिल्कुल न्यू बुलेटिन के सिलेबस में आपको एक चीज तो जब मैंशन है तो करनी है ना आप सबके पास ओल्ड एनसीआरटी होगी नहीं है तो कोई बात नहीं आप सब मेरे टेलीग्राम पे जाइए सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल ठीक है थ्री लैख से ऊपर बच्चे हैं उसमें सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल ठीक है वहां पर ऊपर फाइल्स में जाकर सर्च करना मैं आज हाईलाइट भी कर दूंगी उसको एनसीआरटी हाईलाइटेड या हाईलाइटेड एन लिखना वहां पर फाइल्स में जाके तो मैं सारी ओल्ड एनसीआरटी हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने पास वो भी है इसके अलावा अपने पास और क्या क्या है और सीप मैम के हैंड रिटन नोट्स जो हम आज लिखने वाले हैं और क्या है क्या है मैम ये जो अपने धासू नोट्स होते हैं यार भी है और इसके अलावा हमारे पास क्या है बस और चाहिए नहीं होता बेटा और चाहिए नहीं होता इतना ही चाहिए होता है यस मेरे बच्चों हाँ जी एक बार बता दो एक और चीज मुझे सरप्राइज के तौर पे आज दो सरप्राइज है बेटा आज दो सरप्राइज मुझे तुम्हें देने हैं ए, मेरे फोन में रह गया उसको आईपैड में डालना रह गया जस्ट अ सेकेंड मेरे को याद था बट स्किप हो गया कोई बात नहीं मैं अभी डाल देती हूँ दो सरप्राइजेस के लिए रेडी हो बता दो फटाफट फड़ से दो सरप्राइजेस के लिए रेडी हो रुके रे ही रेडी देने हाँ अभी आंसर आ जाएगा पहला सरप्राइज मैं अभी बता देती हूँ पहला सरप्राइज बेटा जी ये है कि आज रात तक के लिए आपके पास अभ्यास मॉक टेस्ट पर फोर्टी परसेंट ऑफ है आप जानते हैं ना उसमें चौबीस मॉक पेपर हैं चौबीस ओएमआर हैं एंड साथ में सप्लीमेंट्री बुक भी है जिसमें सारे न्यू टॉपिक्स की थ्यूरी प्लस उनके अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के सवाल दे रखे हैं यस yes. ठीक है जी लेकिन ये ऑफर कल और आज ही था आज मैं आपको बता रही हूं आज रात को आठ बजे के बाद नौ बजे के बाद ये बंद हो जाना है तो जो बच्चे प्लान कर रहे थे चौबीस बॉक पेपर वाला लेने का वो ले लें टेन वाला भी ले सकते हो बट अभी चौबीस वाला टेन के ही प्राइस में है तो यू कैन बाय दैट ठीक है जी ये अपना पहला सरप्राइज है दूसरा सरप्राइज अभी उड़ता हुआ मेरे फोन में आएगा फिर मैं फोन से आईपैड में डाल दूंगी फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगी तो कोई टेंशन नहीं है तब तक हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो ड्रम रोल्स हो जाए फटाफट से यस मेरे बच्चों ड्रम रोल्स हो जाए हाँ जी ठीक है ड्रम रोल्स हो जाए निमिश बेटा पी अपलोडिंग में प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा इशू चल रहा था इसकी वजह से मैंने आज एप्लीकेशन की एस नहीं लगाई कि जो मैं क्लास लूंगी फिर आपको उसकी पी नहीं मिल पाएगी लेकिन वो इशू रिजोल्ड है तो अब वो एस कल ही लग पाएगी ठीक है जी कल लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिना एस के आपको पता ही है बिना प्रैक्टिस के मैम रहती नहीं है तो आपकी पोल बेस्ड प्रैक्टिस होने ही वाली है आ गया बेटा दूसरा सरप्राइज भी दूसरा सरप्राइज भी पहुंचा दो यहाँ पर मेरे आईपैड का नाम क्या एक है एक मिनट रुकिए हम्म पहुंचा रही हूँ आने दो दूसरा सरप्राइज भी आ चुका अरे डिक्लाइन कर दिया यार इसने <laughs> यहाँ से भेजती हूँ एक मिनट रुकिए हमारा फोन कई बार एयर ड्रॉप को डिक्लाइन कर दे रहा है यार ऐसा क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं यहाँ से एयर ड्रॉप कर लेंगे हमारा लैपटॉप डिक्लाइन नहीं करता है ओके okay. मतलब हमें ही डिक्लाइन कर दिया जा रहा है रखिए तो नेक्स्ट सरप्राइज जो आपको हर चैप्टर के साथ मिलेगा और ओल्ड वालों का भी मैं भिजवा दूंगी नेक्स्ट सरप्राइज इज गोइंग टू तो बी यस नेक्स्ट सरप्राइज इज गोइंग टू तो बी दिस वन कैन यू सी गाइस कैन यू सी मेरे बच्चों

अमेजिंग क्वेश्चन बेटा जी तुमको मिलने वाले हैं लेकिन बेटा मैं क्लास के बाद दूंगी बिकॉज आई बिलीव कि आई डोंट कि कोई बच्चा बिना रिवाइज करे इनको अटेम्प्ट रिवाइज करो रिवाइज करने के बाद इनको अटेम्प्ट करो यू विल सी एन इमेंस इंप्रूवमेंट एक एक करके करोगे सब कुछ होगा अपने ऊपर भरोसा रखो पुराने नंबर जितने आ रहे हैं आ रहे हैं डोंट लीव एनी मॉक टेस्ट डोंट लीव दिज लास्ट मिनट डीपीपीज ये बेटा जी आपको मिलेंगी क्लास के बाद मेरे टेलीग्राम पे ठीक है बायोलॉजी ऑफिशियल लाख से ऊपर वाला आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ हर चीज सुपर नोट्स वन ऑफ द बेस्ट है कोई ना बना पाएगा तुम्हारे लिए मैं गारंटी लेती हूँ जिस तरीके से मैंने उसमें क्रिएटिव वे में एनसीआरटी लिख दी है ये भी ये भी बेटा जी एक एडिशनल मैंने तुम्हारे लिए इनिशिएटिव लिया बाकी अपने हैंड रिटन करते हैं अपने स्पेशल क्लास लगाते हैं वैसी प्रैक्टिस क्लास तुमने आज तक नहीं करी होगी जिसमें तुम पोल की फॉर्म में लीडर बोर्ड की मदद से अपना एनालाइज कर पाओ अब एडिशनल डीपीपी भी तुम्हें इसकी मिलने वाली है है ठीक जी सारे चैप्टर्स की कर दूंगी जो पीछे चार हुए ना उनकी भी कर दूंगी आने वाले की हर दिन तुम्हें मिलेगी तो आज की क्लास कल की क्लास परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं तो शुरू करते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखिए बेटा इस चैप्टर में मैं आपको तीन हिस्से कराऊंगी सिंस अपने ने पूरा चैप्टर करना है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहा है हमने न्यू बुलेटिन में सिलेबस देख लिया है सिलेबस से हमें पता चल गया है पूरा चैप्टर ही करना है इस चैप्टर के टोटल तीन भाग इस चैप्टर के टोटल तीन भाग हैं यस मेरे बच्चों पार्ट्स पार्ट्स माने हमारा एक तरीके से आज का गोल क्या है हमारा एक तरीके से आज का गोल क्या है One, two, three. तीन गोल्स हैं बेटा आज हमारे कवर करने के थोड़ा सा चैप्टर बाकियों से बड़ा है बट यार जो आदमी जेनेटिक्स करके आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी करके आ ले रहा है जो इतने टफ टफ यूनिट्स बड़े बड़े यूनिट्स करके आ जा रहा है तो उसके सामने ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन की

ग्रोथ कर्व के बारे में बात करूंगी एंड अगेन जहां से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी पॉपुलेशन इंटरैक्शन पॉपुलेशन इंटरैक्शन तो बेसिकली आज के हमारे गोल्स जो है ना वो ये वाले गोल्स हैं ठीक है जी आज के जो हमारे गोल्स हैं वो ये वाले गोल्स हैं तीनों गोल्स आज हम पूरा करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं ऐसे साइंटिस्ट की जिसका नाम चैप्टर में तो नहीं है लेकिन जिसका नाम यहां पर दे रखा है Have you ever paid attention to this page? मैं साथ साथ एनसीआरटी आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने कभी इस पेज पर अटेंशन अपनी डाली हो आ, ये देखिए ये वाला पेज है दिख रहा है मैंने यहां पर हार्ड कॉपी में भी खोला है सॉफ्ट कॉपी में भी खोला है सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया तो पहला सवाल आएगा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज गोइंग टू बी रामदेव मिश्रा यस yes, मेरे बच्चों साथ साथ मेरे साथ सवाल याद करते जाओ सवाल याद होते जाएंगे अपना मामला सेट हो जाता होता जाएगा यस yes, मेरे बच्चों सवाल याद करते जाओ हु इज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया आंसर इज गोइंग टू बी रामदेव मिश्रा अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी इकोलॉजी बेटा वैसे होती क्या है वॉट इज इकोलॉजी अगरिज्म ठीक है अमंग ऑर्गेनिजम एंड इंटरक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट स्टार्टिंग में चैप्टर की बात करी गई है कि यार बुलबुल -बुल गाना क्यों गाती है बताओ बुलबुल गाना क्यों गाती है ये जो नाइट ब्लूविंग फ्लावर्स होते हैं व्हाइट क्यों होते हैं यानी कि हाउ और वाई का आंसर हमें एनवायरमेंट को स्टडी करके मिलता है यानी कि इस इकोलॉजी में हम बात करने वाले हैं इंटरक्शन की किसकी बात करने वाले हैं इंटरैक्शन की तीन लेवल पे इंटरक्शन करेंगे मेरे बच्चों तीन लेवल पे इंटरैक्शन करेंगे पहला ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म लेवल पे ठीक है दूसरा ऑर्गेनिज्म विद ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या क्या बेटा जी है जैसे अपने बात करें अपने वेजिटेबल्स है लेते हैं एंड ऑक्सीजन लेते हैं एंड देन वी आल्सो गिव बैक है ना वी आल्सो गिव सीओ टू जिस सीओ टू को यूज करते हैं हमारी भी डेड बॉडी से एनिमल्स की डेड बॉडी से उन्हीं क्या होती है फर्टिलाइज होती है तीसरा बेटा इंटरक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म की विद विद बताओ एनवायरमेंट एनवायरमेंट माने एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरमेंट का क्या मतलब हुआ एबायोटिक फैक्टर्स ठीक है अब जैसे हमने करी थी टेक्सोनॉमिक हायरार्की डू यू रिमेंबर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज हायरार्की करी थी छोटे से हम बड़े की तरफ गए थे वैसे ही यहां पर भी हमारे पास आती है इकोलॉजिकल हायरार्की टोटल एनसीईआरटी आपको चार लेवल्स बताती है बट मैं चार की जगह आपको सेवन लेवल्स बताऊंगी ठीक है वैसे हमारी एनसीआर चार बताती है लेकिन अपने टोटल सात लेवल लिखेंगे तो जरूर लिखेंगे तो जरूर तो सबसे पहला लेवल इज कॉल्ड एज लेवल्स लेवल्स के के बारे बारे में में बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं मेरे बच्चों बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है बेसिक लेवल एक आदमी का लेवल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म लेवल कौन सा लेवल है सिंगल इंडिविजुअल मैं सी पाहुजा ऑर्गेनिज्म लेवल तुम ऑर्गेनिज्मी ऑर्गेनिज्म लेवल तुम करण गेमिंग ओपी अपने नाम क्या है ओपी बच्चे कुछ तो सोच लिया करो मतलब आदमी तारीफ दूसरे की करता है तुम ओपी मैम ओपी सर ओपी या कोई ओपी अपने नाम के आगे ओपी लगा दिया था यार इट्स दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑब्सेशन अपने आप से इतने ऑब्सेस्ड है अपने नाम के आगे ओपी लगा दिए यार क्या बोले तुम्हारा तो नाम लेना ही पड़ेगा तो सिंगल इंडिविजुअल का जो लेवल है एक बंदे का जो लेवल है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म लेवल दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी ठीक है अब बेटा जी अगर एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म जैसे मैं आदर्श तृप्ति सा, सा, सान्या प्रियांशु नीलम अर्चना ये सब अपने लोग एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं ना तो अपनी क्या बन गई पॉपुलेशन

कंपटीशन म्यूचुअलिज्म करने वाले हैं उसको अपने लोग क्या बोलते हैं कम्युनिटी बोल देते हैं ठीक है कम्युनिटी बोल देते हैं कम्युनिटी के बाद आता है ऐसी इंटरैक्शन जिसमें पहली बारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से हवा पानी सॉइल वाटर इन सब से इसको अपने लोग बोलते हैं इको सिस्टम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम अगर तुम देखोगे यहां पर कहीं भी एनवायरमेंट की बात नहीं करी गई कहीं नहीं करी गई सिस्टम एक पहला है पहला है बेटा जी जहां पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो ए बायोटिक के साथ हवा पानी सॉइल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एनवायरमेंट के बारे में बात किसमें करी गई फर्स्ट टाइम बात करेगी इको सिस्टम में इको सिस्टम से बड़ा लेवल लार्जर एरिया विद इट्स ओन बाउंड्री दैट इज कॉल्ड एज लैंडस्केप क्या बोलेंगे इसको लैंडस्केप इससे बड़ा एरिया इससे बड़े एरिया को बोलते हैं बायोम और इससे बड़ा जैसे बायोम हो गए हमारे पास सी हो गया डेजर्ट हो गया इसे बायोम इससे बड़ा बेटा जी सबसे बड़ा द लार्जेस्ट हैविंग हैिथोस्फियर दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी मेरे बच्चों बायोस्फियर बायोस्फियर अब मैंने आपको बताया मैंने टोटल कितने लेवल्स बताए सेवन लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि तो चार ही लेवल्स के बारे में बात करती है वो चार लेवल्स कौन से हैं वो चार लेवल है एक तो मेरा ऑर्गेनिज्म दूसरा बेटा बात करती है पॉपुलेशन के बारे में तीसरा बात करती है कॉम्युनिटी के बारे में एंड कॉम्युनिटी के बाद सीधा पहुंच जाती है बायोम पर किसमें पहुंच जाती है मेरे बच्चों बायोम पर याद रहेगा ओपीसीबी ओपीसीबी ऑर्गेनिज्म Population, population, community and biome. अब जो-जो जिस, जिस के बारे में मेरी एनसीईआरटी बात करती है वो तो मुझे पता होना चाहिए मतलब एक स्पीशी का एक मेंबर पॉपुलेशन का क्या मतलब है एक स्पीशी के मल्टीपल मेंबर जैसे कि ऑल डॉग्स इन दिल्ली पॉपुलेशन हुई ना ऑल डॉग्स इन दिल्ली पॉपुलेशन हुई दे जैसे बेटा जी जैसे आपके पास आ जाएगा ऑल काउज ऑफ मुंबई दैट इज गोइंग टू बी पॉपुलेशन ठीक है इसके बाद कम्युनिटी क्या हो गई कम्युनिटी हो गई एक ही एरिया की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन डैग डॉग्स कैट्स काउस ह्यूम प्लांट्स ये सब जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे एंड लास्ट बेटा किसके बारे में बात करते हैं बायोम ऐसा रीजन जिसके पास अपना वेजिटेशन अपना सॉइल अपना क्लाइमेट अपनी रेनफॉल अपना टेम्परेचर है उसको अपने लोग बोलते हैं बायोम तो मैं बायोम यहाँ पर लिख देती हूँ बाकी तो तुम्हें समझ आ गया है इट इज दैट जी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट टेम्परेचर एक अलग टेम्परेचर रहेगा एक अलग बेटा जी रेनफॉल रहेगी एक अपनी स्पेशल टाइप की सॉइल होगी एक अपना स्पेशल टाइप का क्लाइमेट होगा दैट इज बेटा जी

देख रहे हो बेटा ठीक है तो अगर मुझे लिखना हो कि मेरे मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया कौन से हैं अगर मैं बात करूंगी इंडिया में मेजर बायोम्स हमारे पास हैं इंडिया के बायोम्स की अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखो मैं जहां भी टीआरएफ लिखूंगी पूरे तीन चैप्टर्स में हर चैप्टर में टीआरएफ का नाम है हर चैप्टर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम है दैट इज गोइंग टू बी टीआरएफ तो याद रखना ठीक है टीवीएफ नहीं है द वायरल फीवर अरे मैम सीरियलों के बारे में बात करिए नहीं बेटा ठीक है दूसरा द फॉरेस्ट डेडवस फॉरेस्ट ठीक है तीसरा डेजर्ट डेजर्ट चौथा सी कोस्ट सी कोस्ट कहा है एनसीआरटी की, की फोटो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेसीडस फॉरेस्ट डेजर्ट एंड सी कोस्ट हर एक के पास एक अपना टेम्परेचर है एक अपने टाइप का क्लाइमेट है एक अपने स्पेसिफिक टाइप की सॉइल है एंड बेटा अपने ही टाइप का इसके पास मीन एनुअल टेम्परेचर है ठीक है मीन एनुअल टेम्परेचर है तो इस वाले डायग्राम को जरा ध्यान ध्यान दीजिए दो पहचानने के लिए बारिश ठीक बारिश। है किसी भी फॉर्म बारिश हो गया स्नो हो गया किसी भी फॉर्म में पोर तो आउट होना क्लाउड्स का ये यहाँ पर दिया हुआ मीन एनुअल टेम्परेचर ठीक है क्या दिया मीन एनुअल टेम्परेचर दिख है मेरे बच्चों सबको दिख रहा है चलिए आ जाइए अब जरा तुम डेजर्ट को ध्यान दो ये मेरा डेजर्ट है डेजर्ट में कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है बेटा देख रहे हो यहाँ तक तकरीबन तक टेम्परेचर जा रहा है और बारिश के नाम पे कुछ नहीं है फिफ्टी तक ही जा रहा है बस इससे ऊपर नहीं जा रहा यस फिफ्टी तक ही जा रहा है इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है ग्रासलैंड ग्रासलैंड में भी काफी हाई टेम्परेचर है टेम्परेचर के साथ साथ बेटा बारिश थोड़ी सी ज्यादा है डेजर्ट से थोड़ी सी ज्यादा बारिश है ठीक है यस आगे आ जाओ दिस इज माई टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर इज क्वाइट हाई यहां से लेकर यहाँ तक का रेंज है और बारिश भी बेटा काफी अच्छे लेवल की हो जा रही है और सबसे बढ़िया तो मेरा कौन सा है टी आर एफ टी आर एफ में टेम्परेचर भी बिल्कुल ऑप्टिमम चल रहा है और बारिश भी खूब जम के होती है जब बारिश खूब जम के होती है टेम्परेचर खूब ऑप्टिमम चलता है बेटा इस वजह से इस वजह से इसकी तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चल रही है है ना इसकी प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है बच्चों मैक्सिमम चल रही है देन नीचे ध्यान दो दिस इज माय कॉनिस्ट फॉरेस्ट ये मेरा आर्कटिक एंड एल्पाइन टंड्रा थोड़ा सा कोल्डर रीजन देखिए कितना ज्यादा लो टेम्परेचर है माइनस में चल रहा है टेम्परेचर ठीक है और प्रेसिपिटेशन का लेवल आपका यहां तक है सिंस इसमें टेम्परेचर इतना लो है बताओ क्या यहाँ पर पौधे उग पाएंगे कुछ कुछ होगा वेजिटेशन बट बहुत कम होगा बहुत कम होगा तो भाई इसकी प्रोडक्टिविटी तो मुझे लिखना पड़ेगा मिनिमम मिनिमम प्रोडक्टिविटी है ठीक है मिनिमम प्रोडक्टिविटी है क्लियर है क्लियर है डेजर्ट की भी अपनी प्रोडक्टिविटी कोई ज्यादा नहीं है लो ही चल रही है डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी क्या है ज्यादा नहीं है लो ही चल रही है क्या दर्शाया गया है अब अगर तुम देख रहे हो यहां पर अलग अलग वेजिटेशन है कितना ज्यादा डिफरेंस है अगर मैं देखूं इनके प्रेसिपिटेशन में टेम्परेचर में कि किस वजह से वट आर द की एलिमेंट्स जिनकी वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कोई बता सकता है? है कि भाई यहां पर productivity इतनी ज़्यादा है ऐसा क्यों आर्टिक टंड्रा एल्पाइन टंड्रा मेरी प्रोडक्टिविटी मिनिमम चल रही है वट आर फॉर दिस वेरिएशन ये देख रहे हो कितनी वेरिएशन है वेरिएशन का रीजन क्या है एनसीआर का क्वेश्चन है मेरे बच्चों ओल्ड एनसीआर का क्वेश्चन है वेरी गुड कुछ बच्चे ठीक आंसर बता रहे हैं। का है। Temperature यार अलग अलग जगह है हर जगह पर। पानी का वो हर जगह अलग है कितने किस टाइप की सॉइल है पोरस सॉइल है लोमी सॉइल है क्ले सॉइल है सैंडी सॉइल है किस तरीके की सॉइल है उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती है यस yes, मेरे बच्चों चलिए ये हमने बात कर ली है यहाँ पर यस <laughs> yes. चलिए ये ये देखिए लाइन एनसीईआरटी की है द दैट इज दॉटर लाइट टेम्परेचर सॉइल यही चार चीजें मैंने तुम बताई एंड बायोटिक कॉम्पोनेट की किस टाइप के पैथोजन है पैरासाइट है प्रिडेटर है इस वजह से वेरिएशन है दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो वेरिएशन किस वजह से आ रही है कुछ एबायोटिक फैक्टर है कि भाई हवा पानी ये सब अलग अलग है हर जगह पर दूसरा हर जगह पर कॉम्पिटिशन डिफरेंट टाइप का है प्रोडेशन अलग टाइप का है पैरासाइट अलग टाइप के हैं पैथोजन अलग टाइप के हैं इसी वजह से वेरिएशन अपने पास आती है ठीक है जी अब ए बायोटिक फैक्टर पर बढ़ने से पहले ए बायोटिक फैक्टर पर बढ़ने से पहले दो अक्षरों के बीच में अंतर मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि वो हर बार ही पूछा जाता है पिछले पास्ट ईयर में आ चुका है एक वर्ड है बेटा जी तुम्हारा हैबिटेट दूसरा वर्ड है नीचे अरे ये नीचे नहीं है ये क्या है निश बिकॉज मैंने नीचे इसलिए बोला आधे ज्यादा बच्चे इसको नीचे नीचे करते रहते नीचे क्या नीचे नीचे नहीं है बेटा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज दैट इज निश ठीक है दैट इज निश जैसे निशा होती है ना निशा माधुरी दीक्षित का नाम निशा ऑलमोस्ट हर मूवी में होता है तो निशा नहीं है ये नीचे भी नहीं है ये है निश क्या होता है होता है किसी भी व्यक्ति का एड्रेस क्या होता है बेटा जी एड्रेस को अपने लोग बोलते हैं एड्रेस माने तुम कहाँ रहते हो? हो सकता है तुम रहते हो लाजपत नगर मोहल्ला ऑफ भोपाल मुझे नहीं पता भोपाल में ऐसी जगह भी है या नहीं है जस्ट एग्जाम्पल लाजपत नगर ऑफ भोपाल में तुम लोग रहते हो तो ये तुम्हारा क्या हो गया हैबिटेट अब लाजपत नगर ऑफ भोपाल में एक बच्चा रहता है भोपाल में दूसरा बच्चा कहता है मेरा हैबिटेट चल रहा है जयपुर में तीसरा कह रहा है मेरा हैबिटेट है था 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 कश्मीर में तो हर जगह का एक ए बायोटिक फैक्टर यानी कि हवा पानी सॉइल अलग अलग होगा यानी कि हर हैबिटेट का जो भी तुम एड्रेस मुझे दोगे उसका जो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट होगा वो डिफरेंट होगा ना यस मेरे बच्चों ए बायोटिक कॉम्पोनेंट डिफरेंट होगा ऑब्वियसली बात है कश्मीर में हवा पानी सॉइल अलग है राजस्थान में अलग है भोपाल में अपना अलग चल रहा है ठीक है जी अब ए बायोटिक कॉम्पोनेंट अलग अलग है क्या वहाँ का बायोटिक कॉम्पोनेंट भी अलग अलग नहीं है कश्मीर में अलग तरीके के प्लांट्स उगते हैं यार केसर है एप्पल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब की जो आ, आ, कावा का जो मटेरियल है सेफरन ये सब कश्मीर में है लेकिन वो चीजें क्या तुम्हें जयपुर में मिलेंगी क्या वो चीजें तुम्हें भोपाल में उगती हुई मिलेंगी नहीं यानी कि जो तुम हैबिटेट बताते हो उसमें जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो भी अलग होता है अब बायोटिक में सब आ जाते हैं बायोटिक में बेटा जी सब आ जाते हैं बायोटिक में आ गया पैरासाइट बायोटिक में आ गया पैथोजन ठीक है पैथोजन बायोटिक में आ गया प्रिडेटर्स ठीक है जी बायोटिक में और कौन आ गए कॉम्पिटिटर्स ये सब अलग अलग है ये सब अलग अलग है ठीक है ये हो गया अपना हैबिटेट यानी कि एक हैबिटेट के पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों है मानते हो बायोटिक भी डाल दी मैंने एबायोटिक भी कश्मीर राजस्थान और ऐसे कंपेयर करके देख लो ना अगला नाम आता है अगला टर्म आता है निश निश क्या होता है निश होता है भाई जहां तुम रहते हो वो तो बात आएगी आएगी लेकिन साथ में तुम्हारा काम क्या है फॉर एग्जांपल मैं एक हाथी हूं मैं गिर फॉरेस्ट में रहता हूं ये तुम्हारा हैबिटेट है बट बींग अ हाथी आर यू प्रोड्यूसर आर यू कंज्यूमर आर यू डीकम्पोजर वॉट इज योर रोल क्या क्या खाते हो तुम रिसोर्सेस क्या खाते हो क्या यूटिलाइज करते हो कैसी कंडीशंस को टॉलरेट करते हो दैट इज बेसिकली योर निश निश में तुम्हारा इकोलॉजी में रोल आ जाएगा काम क्या करते हो वो भी बताओ सिर्फ जगह मत बताओ इट्स लाइक like, um, सीवी पता है आपको जब हम किसी जॉब को अप्लाई करने जाते हैं आपको टीचर बनना है डॉक्टर बनना है कहीं भी कुछ भी बनना है हर आदमी का एक सीवी बनता है या जिसको रेज्यूमे भी बोलते हैं सीवी में अगर आप देखोगे आदमी का नाम और क्वालिफिकेशन ये सब होता है साथ में एड्रेस भी होता है तो एड्रेस तो उसका क्या हो गया हैबिटेट लेकिन सीवी में बेटा जी उसने ये भी लिखा होता है मैं क्या क्या काम करना जानता हूँ जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो मैं सीवी में जरूर लिखूंगी आई एम एक्सपर्ट ऑफ टीचिंग बायोलॉजी टू क्लास एंड स्टूडेंट ये मेरा रोल है ये मेरा रोल है अगर कोई डॉक्टर है आंखों का डॉक्टर है वो लिखेगा अपने सीवी में आई एम एक्सपर्ट ऑफ परफॉर्मिंग सर्जरी ग्लूकोमा पेशेंट एंड ये सब चीजें ठीक है जी अगर कोई इंजीनियर है तो वो लिखेगा आई एम एक्सपर्ट ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोडिंग ये वो पचास चीजें रोल रोल जो है ना वो आपका निश में आता है ठीक है वो किसमें आता है निश में तो निश में तीन चीजों के बारे में बात करनी हूं बेटा मैं ध्यान देना इसी से तुम पहचानोगे कि ये निश है या फिर ये हैबिटेट है पहली चीज कि कौन सा रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हो रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस दूसरी चीज बेटा जी रेंज ऑफ कंडीशन रेंज ऑफ कंडीशन जो टॉलरेट कर सकता है दैट इट कैन टॉलरेट तीसरी चीज बेटा जी निश्च में आती है फंक्शनल रोल ये सबसे इंपॉर्टेंट है काम क्या करते हो फंक्शनल रोल इन इकोलॉजी इकोलॉजी प्रोड्यूसर हो डिकम्पोजर हो क्या हो बता दो हमें ठीक है जी यस yes. अब यहां पर ध्यान दीजिए एक दो बंदों का हैबिटेट तो सेम हो सकता है हो सकता है ना दो बंदों का हैबिटेट सेम हो सकता है लेकिन बेटा सेम हैबिटेट में सेम हैबिटेट में टू परसन विल नॉट शेयर निश्च टू पर्सन विल नॉट शेयर निश्च वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आप अगर बात करें सेम हैबिटेट की किसकी बात करें सेम हैबिटेट की तो दो बंदों का निश सेम नहीं होगा नो टू परसन नो टू स्पीशी इन दिस सेम हैबिटेट विल हैव सेम निश नो टू स्पीशी शेयर सेमिश ठीक है स्पीशी की बात हो रही है ऑर्गेनिज्म नहीं दो स्पीशी बेटा जी एक हैबिटेट में रहते हुए सेम निश नहीं शेयर करेंगे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही या तो इस वाले एस्पेक्ट में डिफरेंस होगा या इसमें होगा या फिर इसमें होगा यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया क्लियर हो गया हाँ जी बता दो बता दो फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से बता दो इतना डन चलिए अब बढ़ते हैं मेजर फैक्टर्स की तरफ यहाँ पे आ रही हूँ देखिए किसी भी इकोलॉजिकल जब भी हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तीन तीन दिन हम इसमें लगाएंगे जब भी इकोलॉजी को बेटा जी पढ़ा जाएगा तब दो फैक्टर्स के बारे में बात होगी पहला बायोटिक फैक्टर्स वो अभी हम नहीं कर रहे हैं दूसरा ए बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर में बेटा जी मेरे पास तीन रेंजेस आ जाएंगी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलेंगे यस yes, मेरे बच्चों क्लाइमेटिक एडिफिक मैं ट कर रही हूँ क्लाइमेटिक एडिफिक एंड टोपोग्राफिक एनसीआर टी सीधा सीधा लिख दे रही है लेकिन थोड़ा बहुत बेटा जी हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए पता होना चाहिए ऐसे बात नहीं बनती है ना यस क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक क्लाइमेटिक की अगर मैं बात करूँ लाइट आ जाती है टेम्परेचर आ रहा है पानी आ रहा है एंड एयर आ रही है एयर एडिफिक में आपका सॉइल आता है टोपोग्राफी होती है स्लोप की मतलब पहाड़ है या प्लेन एरिया है दैट इज द स्लोप as well as the altitude altitude ठीक है altititude तो ये मेरे सारे क्या हैं एबायोटिक फैक्टर्स हैं एनसीआरटी मेजर फैक्टर्स के बारे में बात कर रही है टेंपरेचर वाटर लाइट सोइल यस मेरे बच्चों टेंपरेचर वाटर लाइट सोइल अगर इन चारों में से पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है सबसे रेलेवेंट कौन सा है बताओ किसको बोलोगे सबसे रेलेवेंट कौन सा है यस क्यों नहीं पढ़ाएंगे मिस टीवी ऐसा हो सकता है कि मैडम आए और कुछ ना पढ़ाए ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता मैं आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी एवोल्यूशन भी कराऊंगी और जो भी तुम कहोगे मतलब चैप्टर्स आपके मेरे पास है ऑर्डर अलग हो सकता है यार ऑर्डर मैं एनसीआरटी वाला फॉलो नहीं करती हूँ ऑर्डर मेरा अपना यू you नो know, वेटेज के अकॉर्डिंग करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं मैम की चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं ये यूनिट मैंने तभी शुरू किया क्योंकि आप लोगों के सबसे ज्यादा कॉमेंट्स थे तुम कॉमेंट ना करते तो हम कुछ और कर लेते है ना कुछ और कर लेते ओके okay, तो मैंने आपसे पूछा है द मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गोइंग टू बी टेम्परेचर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड भी निकालो ना क्लास में तो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्चुअली द वॉटर सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला मेरा कौन सा है बेटा जी टेम्परेचर yes, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर पहला क्वेश्चन ये बनेगा इकोलॉजिकली सबसे ज्यादा रिलेवेंट यही है ठीक है यही है टेम्परेचर बेटा अलग अलग लेवल का हो सकता है बहुत सारे ऐसे पोलर रीजन हैं जहां पर टेम्परेचर मेरे बच्चों सब जीरो भी है और बेटा जी कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी है ये देखिए ये देखिए बहुत वेरी करता है टेम्परेचर ठीक है यस और ये क्या बता रहे हैं अगर आप देखोगे अपने अर्थ को ये मेरी सर्कल बना लेते हैं बढ़िया सरों है ये मेरा अर्थ है हाँ जी दिख रहा है सबको क्या कहा जा रहा है अर्थ के सेंटर में क्या होता है इक्वेटर जैसे जैसे तुम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे अपनी बुद्धि अपनी टेंथ क्लास की एसएसटी की बुद्धि लगा के इसको मत पढ़ो क्या लिखा है जैसे जैसे तुम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे अपनी बुद्धि लगा के बताओ टेम्परेचर कम होता है कि ज्यादा होता है यस मेरे बच्चों बुद्धि लगाओ बुद्धि यस बताओ 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 जैसे जैसे बेटा जी हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है एप्सल्यूटली ट्रू टेम्परेचर क्या होता जाता है कम यानी कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा इक्वेटर रीजन पे इक्वेटर के बाद यानी कि ट्रॉपिकल रीजन इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन में हाई देन सब ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट रीजन एंड देन पोलर रीजन ये जो मेरे रीजन है ये पोलर रीजन है पोलर रीजन पे टेम्परेचर क्या होता है कम होता है ठीक है जी कम होता है यही बता रहे हैं बेटा जी इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल

यार हर जगह का एक अपना टेम्परेचर होता है तो हर आदमी हर टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता अब जो क्रॉप्स मेरे इंडिया में है क्या वो क्रॉप्स कनेडा में होएंगी नहीं होएंगी कनाडा कनाडा को हम लोग कनेडा बोल देते हैं ऐसे ही शौक से तो अपना जो कनेडा है वहां पर बेटा जी वो क्रॉप्स नहीं होंगी जो हमारे इंडिया में होंगी वाई बिकॉज कैनेडा इज नॉट इन द सेम रीजन एज इंडिया इंडिया के बीच में से इक्वेटर निकलता है

और ये वाला मेरा इंडिया है। इंडिया है 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 में में से तो है। तो इक्वेटर निकलता मैंगो बेटा जी जी ग्रो नहीं कर सकता वो की क्रॉप ठीक फॉरेस्ट अब केरला का फॉरेस्ट जस्ट इमेजिन केरला का फॉरेस्ट इतनी गर्मी वाला है वहां स्नो लेपर्ड कहा स्नो थोड़ा, पड़ रही है। है ना? स्नो थोड़ा पड़ रही है राइट मेरे बच्चों

क्यों नहीं हो सकता बिकॉज बेटा टेम्परेचर अफेक्टिक्स याद है बेटा? के साथ temperature का कौन सी शेप का curve बनता है? चैट सेक्शन एंजाइम के साथ टेम्परेचर का कौन सा कर्व बनता है शेप शेप बताओ यस yes, मेरे बच्चों शेप बताइए शेप 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 ना 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 शेप बताओ शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व कैसा शेप बनता है सब बच्चों, सब बच्चों कुछ नहीं छोड़ा हुआ टेम्परेचर के साथ एंजाइम का काइनेटिक्स के साथ बेल शेप कर्व बनता है यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ही होता है जिस पे एंजाइम ठीक काम करते हैं तुम कम कर दोगे तो भी गड़बड़ तुम ज्यादा कर दोगे तो भी गड़बड़ तो यार जो स्नो लेपर्ड के एंजाइम हैं वो लो टेम्परेचर में ही काम करते हैं जो मेरे मैंगो के एंजाइम्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन यानी 25 से 35 डिग्री के टेम्परेचर पर ही काम करते हैं नहीं तो बेटा काइनेटिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं रह सकता तो रीजन इज एंजाइम काइनेटिक्स कैनाटिक्सल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ठीक है जी यस yes, क्लियर हो रहा है अब बेटा जी डिपेंडिंग अपॉन की ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ में रह लेंगे या फिर वाइड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं नैरो वाइड मेरे पास दो तरीके के हैं यूराइथर्मल एंड स्टीनोथर्मल रेडी यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल करते जाओ यूरीथर्मल कौन से होंगे यूरी ऐसे बोला करो यूरी यूरी वाइड मैंने बाजू में खोल दी यूरी यूरी क्यूरी स्टीनो छोटा नाम ही स्टीनो छोटा लग रहा है यूरी थर्मल बेटा जी वो होंगे ट अड रेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक है जी अब जो ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं एक और नाम से भी जानते अपन लोग है बेटा वो। वी आर वार्म ये कौन से होंगे वार्म ब्लडेड ऐसा क्यों अब मेरे को तुम कैनेडा में ले जाओ मुझे तुम पोलर रीजन में ले जाओ मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी मुझे तुम राजस्थान में ले जाओ मुझे तुम थार डेजर्ट में ले जाओ मैं तो सर्वाइव कर सकती हूँ क्या कोई बच्चा बता सकता है वॉर्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा क्या है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते तुम भी तो कर सकते हो तुम जाओगे ना जब तुम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाओगे मैंने हमेशा देखा है जो बच्चे एमबीबीएस में घुस जाते हैं फर्स्ट ईयर में होती है फ्रेशर प्रेशर छह महीने उसमें निकल गए फिर होती है छुट्टियां छुट्टियों में बेटा जाते हैं बच्चे मनाली मनाली में जाके जम तो नहीं जाते हो ना सरवाइव कर लेते हो एक चीज हो रही होती है जिसकी वजह से उनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वेरी गुड मेरे बच्चों इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर हो रही है एब्सोल्युटली राइट यार कितने इंटेलिजेंट हो गए हो तुम आज मुझे लग रहा तुम इंटेलिजेंट हो गए हो आज आज क्योंकि तुम्हें डीपी भी मिल रही है ना इसीलिए थोड़े से ये वाली डीपी भी लेके जा रहे हो आज है ना इसीलिए थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट हो रहे हो जवाब भी दे रहे हो स्मार्ट हो गए हो सेशन को लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा रहे सेशन पे जाके चलो तो उनमें हो होती है इस वजह से बेटा वाइड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी दो गंगी है नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टेनोथर्मल उसका ऑपोजिट दे कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज सिर्फ नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं क्यों क्योंकि बेटा इनमें होम्योस्टैसिस नाम की कोई चिड़िया काम नहीं करती Omeostasis, इसमें नहीं होता है नहीं होता है बेटा जी इसीलिए ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड क्या कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी लिजर्ड लिजर्ड बाकी के बचे हुए लिजर्ड रेप्टाइल सब आ जाएंगे इसमें लिजर्ड रेप्टाइल्स ठीक है ओहो ये हमारी पेंसिल पता नहीं कब तक हमें परेशान करेगी रेप्टाइल्स सा है क्यों इम्पोर्टेंट है पान जल ही जीवन है छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जल ही क्या है जल ही क्या है, ही क्या है? जीवन है लाइफ ऑरिजिनेटेड इन वॉटर एवोल्यूशन एवोल्यूशन में मैंने आपको सिखाया है कि जिंदगी कहां से आई है जिंदगी कहां से आई है पानी से ही आई है फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड इन पानी जो तो पहला मेरा सेल बना था ना जो सेल भी नहीं था एक तरीके से मतलब उसी का तुम बोल सकते हो वो कहां पर था पानी में था तो लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इन वॉटर ठीक है जी यस yes? यहीं पे आई थी और पानी क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सबका मीडियम पानी तो है. है कि नहीं है yes? यस हमारी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन का मीडियम भी कौन है मीडियम भी कौन है वाटर है ना यस yes, वाटर है यस yes. अब पानी की वजह से आप जानते हैं प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कितनी इंपैक्ट होती है तुम पौधे को 10 दिन पानी ना दो मुरझा जाएगा ऐसे हो जाएगा बिल्कुल फिर बेटा जैसे ही बारिश आएगी दे विल बिकम वेरी ब्राइट एंड वेरी यू नो की दिखने लगेंगे सारे प्लांट्स और बिल्कुल इरेक्ट होने की कोशिश करेंगे अपने शेप में आने की कोशिश करेंगे यानी कि प्लांट्स की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंडेंट है पानी पर डिपेंडेंट है तो प्रोडक्टिविटी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन पानी 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 रे यहाँ पर गाना भी गा सकते हैं हम मन तो बेटा बिल्कुल गाना गा सकते हैं ठीक है और क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो मेरे डेजर्ट ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेशल अडेप्टेशन है पानी के कम पानी में सर्वाइव करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या उनके पास थिक क्यूटिकल है है उनके पास होते है, है, <coughs> हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के लॉस को कम करते हैं ट्रांसपिरेशन के लॉस को क्या करते हैं कम करते हैं करते हैं कि नहीं करते चलिए <coughs> अब एक डब्बा जो आपको डेफिनेटली याद करना है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपने तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये क्या है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है देखो जी अगर तुम पानी की क्वालिटी की बात करते हो ध्यान देना तो दो चीजें होती हैं एक होता है पीएच दूसरा होता है सेलिनिटी दूसरा क्या होता है सेलिनिटी सेलिनिटी को हम किस पे एक्सप्लेन करते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड दिस इज एक्सप्लेन इन पीपीटी पीपीटी ये पावर पॉइंट नहीं है हमें तो बस मैडम एक ही पीपीटी पता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पावर पॉइंट नहीं है ये पार्ट्स पर 1000 जैसे पीपीएम होता है ना पार्ट्स पर मिलियन वैसे ही होता है पार्ट्स पर 1000 तो सैलिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने तीन यहाँ पर डिमार्केशनस एक तरीके से बना दी है तीन बना दी है यस सैलिनिटी के हिसाब से तो 1 2 पहला बेटा जी मैंने यहां पर लिखा है इनलैंड वाटर्स

ठीक है और अगर मैं देखूंगी हाइपरसिलीन इसमें लिख ही दिया हाइपरसोलिन बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा कितनी है सौ से ज्यादा पीपीटी -पी मेरे पास यहाँ पर रहती है ठीक है याद रहेगा फटाफट से याद करो इनलैंड में सबसे कम बीच का कौन सा है सी वाटर और हाइपर सेलिन में सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करके आते हैं वो सी को सौ से ज्यादा लिख देते हैं सी बीच में आ रहा है हाइपर सेलिन उससे भी ज्यादा आ रहा है तो लेस देन फाइव थर्टी टू थर्टी फाइव मोर देन हंड्रेड ये हमें बिल्कुल याद हो गया अब जैसे टेम्परेचर में अपने ने बात की थी यूराई थर्मल एंड स्टेनोथर्मल की तो पानी में भी बात कर लो सेलिनिटी के हिसाब से के हिसाब से बेस्ड ऑन टॉलरेंस टू दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है यूरी 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 हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन यूरी आ गया बेटा जैसे यूरी आ जाए ना जब तुम पेपर में बैठे हो अचानक से खड़े हो जाना अपनी सीट पे और मैम को कहना मैम यूरी आ गया मैम ने क्वेश्चन कराया था यूरी यानी कि दे कैन टॉलरेट वाइडिटी सारे बच्चे खुश हो जाएंगे salinity, जैसे कि सालमन फिश आ जाती है यहाँ पर एग्जाम्पल मैं यहां लिख रही हूँ एनसीआरटी नहीं देती है कोई बात नहीं हम दे देते हैं एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी सालमन फिश देन बेटा आता है स्टेनोथर्मल tolerate only a narrow range of salinity example sharks sharks theek hai ji yes mere bachcho khade ho jaoge ha salmon salmon and the shark theek hai yaad ho to theek hai nahi to tumhari ichcha many freshwater animals cannot live for long in इन सी वॉटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम अब जिसने मेरे से डिटेल में एक्सक्रीशन पड़ा हुआ है किसी जमाने में मैं डिटेल में हर साल कराती हूँ मैम आप तो हमें अभी मिले हो हमने तो आपका कभी डिटेल देखा ही नहीं है डिटेल नहीं देखा तो तुम लोग ना बड़ी गड़बड़ कर रहे हो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ है अपना डिटेल देखो हर समय हमारी एन टी की वेबसाइट खुली रहती है कोई बात नहीं यहाँ पर हम खोल लेंगे गूगल गूगल जी को खोल ले दिखा देती हूँ कहाँ से पढ़ोगे यहाँ पर बेटा जी डाल लेंगे सीप पाहूजा लिंक ट्री डाल दिया गूगल खोलोगे सीप पाहूजा लिंक ट्री खोलोगे एक बच्चा भी एवोल्यूशन पूछ रहा था ना मैं सारी चीजों का सवाल यहाँ पर आंसर यहाँ पर देने वाली हूँ लिंक ट्री जैसे ही तुमने खोला तुम्हें बेटा जी इस तरीके से दिखाई दे जाएगा जैसे तुम देखोगे जो तो भी चैप्टर डिटेल में करना है, देखो, ये है, अपना। है। तुम्हें जो अच्छा लगता है बिल्कुल में पढ़ाया हुआ। बीट एक्सक्रेशन इलेवें थर्टी टू बेटा जी हमने यहाँ किए हुए हैं अभी की तुम अभी की सीरीज देखोगे तो ये रहा बेटा जो मैंने पहले अभी कराया था हर एक का लिंक हर एक की पीडीएफ यहाँ पर अपलोडेड है आप पिछले साल का भी पूरा मेरा बैच यहाँ से देख सकते हैं आप क्लास एंड पूरा देख सकते हैं और ज्यादा डिटेल करनी है तो ट्वेल्थ क्लास वाले में चले जाओ और ज्यादा डिटेल करनी है इलेवेंथ क्लास कमी किसी की नहीं दी हुई है बेटा आई एम द ओनली वन जिसके लेक्चर्स तुम्हें इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल रहे होते हैं और किसी के लेक्चर बेटा जी तुम्हें ऐसे प्रॉपर प्लेलिस्ट में अरेंज्ड ये तो खोजते रह जाओगे YouTube पे इसका L2 टू कहाँ गया इसका L3 थ्री कहा गया इसकी पीडीएफ कहाँ है टेलीग्राम पे मिल नहीं रही मैम आई एम द ओनली वन बेटा जिसमें स्ट्रक्चर्ड है तुम अपने जूनियर्स को भी देखकर जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता सब्सक्रिप्शन उसको जरूर शेयर करना बहुत मदद हो जाएगी जो चैप्टर करना चाहो यहां से कर सकते हो बट एनी वे मूविंग बैक टू आवर चैप्टर की फ्रेश वाटर सी में नहीं रह सकते सी वाटर फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते तीसरा बेटा फैक्टर आता है एबायोटिक दैट इज लाइट यस मेरे बच्चों यस yes. तीसरा कौन सा आता है लाइट लाइट के बारे में क्या चीज है देखो लाइट की बड़ी सारी चीजें क्वालिटी किस क्वालिटी की लाइट दे रहे हो ऐसे लाइट देने का मतलब नहीं है क्या तुम्हारी लाइट में जो फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है 400 टू 700 नैनोमीटर वो आती है या नहीं आती है कितने टाइम के लिए लाइट दे रहे हो यानी कि फोटो पीरियड की बात की है है की गई है? किस इंटेंसिटी की लाइट है ठीक है किस इंटेंसिटी की लाइट है तो लाइट में मैं तीन चीजों के बारे में, बारे में बात करूंगी यहां कर लू आ, कर लेते हैं लाइट में तीन चीजों के बारे में बात करेंगे पहला क्वालिटी क्वालिटी मुझे किस टाइप की चाहिए भाई प्लांट्स हर टाइप की लाइट नहीं यूज कर सकते प्लांट्स यूज करते हैं 400 टू 700 नैनोमीटर। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बात दूसरी चीज बेटा जी लाइट में अपन लोग बात करते हैं कितनी देर के लिए लाइट दोगे ये भी तो बता दो अब कितनी देर के लिए दोगे क्या फर्क पड़ता है पड़ता है फोटो पीरियड का फर्क पड़ता है फ्लावरिंग पे लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स हर चीज पे फर्क पड़ता है ठीक है तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं फोटो पीरियड फोटो पीरियड ठीक है जी ब्रीडिंग पर भी फर्क पड़ता है एनिमल्स की तीसरी बेटा जी आती है इंटेंसिटी इंटेंसिटी से बेटा जी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी डिटरमिन होती है प्रोडक्टिविटी यस yes, मेरे बच्चों यस yes. चलिए आ जाते हैं यहाँ पर

जो बड़े पेड़ों की कैनोपी के, के अंदर फंसे हुए हैं वो बेटा जी वैसे ही सर्वाइव कर लेंगे अब एनिमल्स की बात ये थी प्लांट इतना बात करी एनसीईआरटी ने प्लांट के बारे में अगली बात किसके बारे में आती है एनिमल्स के बारे में एनिमल्स कैसे लाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं इंपैक्ट कर रहे हैं मेनी एनिमल्स यूज डायर एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड टाइम ऑफ देयर फोरेजिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज बेटा तुमने जनरली देखा होगा एनिमल्स जो हैं खाना खाने रात में निकलते हैं दिन में निकलते हैं बताओ बताओ तुम बताओ रात में निकलते हैं दिन में निकलते हैं यस बताओ कब तो निकलेंगे खाना खाने खाना खाने तो बेटा जनरली सारे एनिमल्स डॉग हो कैट हो um, कैटल्स हो काउस हो बाफलोज हो सब दिन में निकलते हैं यानी कि लाइट का बहुत फर्क है लाइट का बहुत फर्क है उनकी फोरेजिंग पे किस पे फर्क है Foraging. Foraging का क्या मतलब होता है खाना खाना पे भी फरक है. किस वो सन से आ रही है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन द लैंड बहुत सारे डीप ओशन हैं 500 मीटर डीप एनवायरमेंट बहुत डार्क होता है कोई एनर्जी वहां पर अवेलेबल नहीं होती है ठीक है यस yes. लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई होता है कुछ रेड हैं जो वहां पर भी सरवाइव कर लेंगी तो यहाँ पर बेटा जी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है दैट इज द लाइट जोनेशन ऑफ लेक्स थोड़ा सा बता दू थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दू एनसीआर में नहीं है थोड़ा सा तुम कहो तो इजाजत दे दो नहीं तो बेटा तुमने इजाजत नहीं दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तुम चिल्लाने लगते हो इजाजत है कि नहीं है देनी पड़ेगी क्योंकि सीट मैम कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं छोड़ती हैं Yes, तो ये मैंने बना दी वही तुम्हारी लेक लेक में कौन रहता है पानी तो ये पानी है एक हिस्सा मैंने थोड़ा गहरा बनाया है दूसरा हिस्सा देखोगे थोड़ा सा अम्म शैलो बनाया है हां जी तो जो शैलो हिस्सा है दिस इज द शैलो पार्ट तुम देख रहे हो इस शैलो पार्ट में काफी प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि ऊपर ऊपर तक लाइट अच्छे से आती है है ना देखो इस वाले पार्ट पे लाइट खूब आएगी इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं जोन बोल देते हैं क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों Littoral zone बोल देते हैं। ये जो Littoral zone है, पहली बात ये शैलो होता है दूसरी बात प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है क्योंकि लाइट खूब है productivity इसमें high रहेगी, ठीक है? अब बेटा जी ये इतना गहरा वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो इतना गहरा वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो दिसकोल दिस दिस जोन क्या बोलते हो बेटा जी इसको? जोन अब लिमनेटिक जोन में तुम ध्यान दो Uh, मैं हाईलाइट करती हूँ ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर तो खूब लाइट है फिर तुम नीचे वाले हिस्से में आ जाओ यहाँ पर टॉयलाइट टाइप है और बेटा और नीचे वाले हिस्से में आ जाओगे यहाँ तो कोई लाइट ही नहीं है अंधेरा नो no लाइट फिर बेटा बिल्कुल नीचे बेंथिक जोन में आ जाइए एक मिनट रुकिए फिर नीचे बिल्कुल सरफेस के साथ चिपक जाइए तो बेंथिक जोन में चले जाएंगे यानी कि लिमनेटिक में मेरे पास ऐसे स्ट्राटा टाइप बन रहे हैं सबसे ऊपर वाला जोन जहां पर फिर भी लाइट है अच्छे खासे फाइटो प्लैक्टोन होंगे अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी इसको अपने लोग क्या बोलेंगे यू फोटिक जोन इसको अपने लोग क्या बोलेंगे यू फोटिक जोन ठीक है यस yes. यहां पर मैक्सिमम लाइट तुमको दिख रही है दिख रही है तो यहाँ पर मेरे को फाइटो प्लैक्टोन मिल जाएंगे पता है ना फाइटो प्लैक्टॉन्स प्लांट में प्लांट के जो प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है प्लांट वाटर के प्रोड्यूसर्स देन नीचे आ जाइए जोन This zone. इस जोन को क्या बोलते हैं ट्वाइलाइट मीडियम से लाइट है बेटा जी नीचे प्रोफंडल जोन. ये जो मैंने pink कलर से बनाया है that is प्रोफंडल जोन. पर मेरे को कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही है अब और नीचे आ जाओ ये जो मैंने बिल्कुल नीचे से जुड़ा हुआ बनाया है दिस इज दिस इज कॉल्ड एज द बेंथिक जोन चिपका हुआ ठीक है बेंथिक अब बेंथिक वाले पे टेम्परेचर भी हाई होगा और बेटा लाइट भी नहीं पहुंचेगी कोई लाइट नहीं है यहाँ पर डार्कनेस छाई हुई है डार्कनेस छाई हुई है यहाँ पर कौन रहता होगा? क्या कोई रहते हुए फोटोसिंथेसिस करता होगा बताओ रहते हैं यहाँ पर भी कौन रहते हैं यहाँ पर रहते हैं मेरे रेड एल्गी ये कैसे रह लेते हैं यहाँ पर भाई इतने हाई टेम्परेचर में नो लाइट जोन में हाउ आर दे सर्वाइविंग हाउ आर दे डूइंग फोटोसिंथेसिस क्योंकि इनके पास होता है बिकॉज ऑफ फाइको कैसे रहते हैं बेटा जी फाइको एरेथरिन यस मेरे बच्चों क्या बोलोगे फाइको की वजह से रह लेते हैं यस ओके डन लाइट जोनेशन ऑफ लेक्स कोई एक्स्ट्रा सवाल आएगा तो भी हम कर डालेंगे आगे बढ़ते हैं यस yes, मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं सोइल यस नेक्स्ट वाला कौन सा आ जाता है मेरा सोइल सोइल पे आ जाओ लाइट हो गया सोइल आ गया ओके okay. क्या बोल रहे हैं सोइल का नेचर किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की सोइल है भाई तुम में से कुछ लोग कश्मीर के हैं बेटा आज मैं एक चीज विश करना भूल गई अभी जस्ट मुझे कश्मीर के नाम पे याद आया आ, आ, कल आज शायद आज ही आपके रमजान शुरू हो रहे हैं सो फ्रॉम माई साइड जो भी बच्चे um, इसको ऑब्जर्व करते हैं रमजान को मानते हैं एंड फास्ट रखते हैं मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन्स दिस इज अ वेरी पायस्ट मंथ फॉर ईच वन ऑफ यू हू सेब्रेट एंड हुट सो माई कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एंड uh, मुझे स्टार्टिंग में बोलना था मेरे माइंड से स्किप हो गया बट आई रियली विश कि आपकी जो भी इच्छाएं हों इसमें वो पूरी हो जाए आप इसको पूरी um, से करें and करें सच में आपको शक्ति दे, करने की भगवान आपको दे इस पूरे, इस पायस मंथ में ठीक है जी यस yes, चलो सब बच्चों को मुबारक सब बच्चों को यस 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 यू नो आई वेन आई वॉज इन ऑफलाइन में आपको अपनी एक कहानी बताती छोटी सी जस्ट अब्रेक लेके

जो हमारे फिजिक्स के सर होते थे वो ये फास्ट एक तरीके से निर्जला फास्ट है इसमें आप कुछ खाते भी नहीं हो पूरा टाइम जब तक सन रहता है एंड आप कुछ पानी भी नहीं पीते हो सर सारी क्लासेस उस बिना पानी पिए ले लेते थे एंड एवरी डे इन द इवनिंग इट यूज टू बी लाइक फीस्ट क्योंकि जो उनके इफ्तार का समय होता था वो हमारी क्लास के बीच में ही आता मतलब इंस्टीट्यूट के टाइम के बीच में ही आता था कभी साढ़े छः बजे अलग सनसेट के हिसाब से होता है तो बहुत सारी चीजें हम भी मंगाते थे उनके लिए शाम को और शाम को बहुत दावत टाइप हो जाता था हमारे इंस्टीट्यूट में पूरा महीना ऐसे रहता था तो बड़ा मजा आता था एनी एनीवे चलिए आ जाते हैं सॉइल पे तो द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल किस पर डिपेंड करती है क्लाइमेट पर डिपेंड करती है वेदरिंग का प्रोसेस क्या है उस पर डिपेंड करती है ठीक है जी क्लाइमेट पर डिपेंड करेंगी वेदरिंग के प्रोसेस पर

ये डिटर्मिन करेगा वहां के प्लांट्स कौन से होंगे और वहां के एनिमल्स कौन से होंगे यस yes, मेरे बच्चों चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं ठीक है बहुत सारे तरीके की सॉइल होती है जैसे मैं तुम्हें तो बता दू सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल लोमी सॉइल मैं टाइप्स लिख देती हूँ यहाँ पर सैंडी है क्ले है लोमी है लोमी सबसे बेस्ट होती है एंड बेटा जी आपकी और कौन सी बच गई सिल्ट वाली हो गई

पढ़ने का ठीक है टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने का यस yes, मेरे बच्चों हां जी रिस्पॉन्स के लिए कर लें बेस्ट ये है जो पूछ रहे हो ना लिख देती हूं दिस इज द बेस्ट वन बेस्ट बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट लोमी लोमी इज द बेस्ट वन टू एबायोटिक फैक्टर्स चार तरीके के रिस्पॉन्ड अपने लोग करेंगे फैक्टर कौन थे बताओ मेरे बच्चों ए बायोटिक कौन कौन से थे डीपीबी टेलीग्राम पे ये डीपीबी ये री डीपीबी मिलेगी टेलीग्राम पे पाउज़ा बायोलॉजी ऑफिशियल क्लास के बाद मिलेगी अभी नहीं मिलेगी क्लास हो लेने दो तो उसके बाद मिलेगी ठीक है जी क्लास के बाद डीपीबी मिल जाएगी यस yes, हा कौन से थे एबयोटिक फैक्टर हवा पानी टेम्परेचर एयर वाटर टेम्परेचर क्लाइमेट ये सारे थे ये फैक्टर अब यार क्या क्लाइमेट के हिसाब से अपन लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते बेटा ठंड होती है जैकेट नहीं पहनते हो गर्मी होती है निकर नहीं पहनते हो पहनते हो ना यानी कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स है जब ठंड होती है हमारी बॉडी हमेंटेन करने के लिए शिवर करेगी जब गर्मी होगी तो हमारी बॉडी में से स्वेटिंग होगी ये सब चीजें हम लोग टेम्परेचर को देख कर क्लाइमेट को देख कर ही तो कर रहे हैं वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं तो ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि मेरे पास एयर हो गया वॉटर हो गया सॉइल हो गया विंड हो गया उसके अगेंस्ट अपन लोग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं कितने तरीके का ये रिस्पॉन्स हो सकता है पहले फोर वेज कितने तरीके का हो सकता है चार तरीके का हो सकता है बताओ तरीका नंबर तरीका नंबर नंबर है रेगुलेट रेगुलेट कर लेते हैं यार रेगुलेट का मतलब है होमियोस्टैसिज है अपने पास बाहर कुछ भी होता रहे गर्मी है सर्दी है मेरे अंदर पच्चीस डिग्री चल रहा है मेरे अंदर सत्ताईस डिग्री चल रहा है सैतीस डिग्री चल रहा है, है। बनचे नहीं कर रहे हम ही तो है रेगुलेटर हमारा बाहर तुम मनाली में ले जाओ मुझे जयपुर में ले जाओ मुझे थार डेजर्ट में ले जाओ ले ले लद्दाख में जाओ क्या मेरे अंदर का टेम्परेचर अलग होगा मैं थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो थर्टी सेवन ही रहता है रेगुलेट होता है की मदद से होमियोस्टैसिस टेम्परेचर रखना ठीक है दूसरा कुछ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंट नहीं रखते लोअर ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड वो क्या करते हैं कॉन्फॉर्म करते हैं कॉन्फर्म यानी कि दे चेंज देयर इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड तीसरा तीसरा बेटा जी माइग्रेट जगह छोड़ के चले जाएंगे भगौड़े एक तरीके से भगौड़े नहीं कहूंगी मैं इनको सर्वाइवर्स कहूंगी बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो इंडिया में आ जाएंगे जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया छोड़ के इंडिया आ जा रही है साइबेरिया में जब सर्दी पड़ती है इंडिया आ जाओ और जब वहां गर्मी पड़ी तो चले गए माइग्रेट मैनेज तो कर लिया ना मैनेज कर लिया और क्या कर सकते हो सस्पेंड छुप के बैठ जाओ अपने अपनी बेटा मेटाबोलिज्म को छुप के रोक के बैठ जाओ यानी क्या कर लो सस्पेंड कर लो मैं सोमटे में बैठा हूँ डॉर्मेंट जब बाहर सब ठीक हो जाए तब मुझे बुला लेना ठीक है ऐसा होता ही है हम भी कई बार मजाक में बता रही हूँ मजाक में हम लोग भी तो सस्पेंड करते हैं जब बहुत ठंड होती है रजाई में घुस के बैठे रहेंगे मम्मी जब धूप निकले तो बताना तभी आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे तो वो है ठीक है जी तो अपने चार तरीके से ओ यहाँ लिखा ही हुआ था मैंने ऐसे ही लिखा चार प्रोसेसिस है बेटा जी रिस्पॉन्ड देने के रेगुलेट कॉन्फर्म माइग्रेट एज वेल एज सस्पेंड अब आ जाइए सबसे पहले पे दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेट ठीक है मेरे साथ आ जाओ सब बच्चे रेगुलेट रेगुलेटर हम हैं रेगुलेट का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म कर सकता है वो अपने अंदर का और अपने अंदर की ऑस्मोलैरिटी को क्या रखता है कांस्टेंट रखता है उसको फर्क नहीं पड़ता बाहर ठंडी है या गर्मी है उसके अंदर का मामला क्या चल रहा है कांस्टेंट ये ग्राफ देखो लुक एट दिस ग्राफ ये एक्सटर्नल लेवल बेटा यहाँ पर ये टेम्परेचर भी बोल रहे हैं टेम्परेचर भी हो सकता है ऑस्मोलैरिटी भी हो सकती है तो जो रेगुलेटर होते हैं ना अपनी तरह ऑर्गेनिज्म की तरह उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या टेम्परेचर है उनके अंदर का टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री उनको फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या ऑस्मोलैरिटी है उनके अंदर की ऑस्मोलैरिटी थर्टी मिली ऑस्मोल पर लीटर एक्सक्रीशन में भी कराया था इसीलिए रेगुलेटर का जो ग्राफ है वो ऐसे है कि भाई एक्सटर्नल लेवल बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं अपने एक लेवल पे खड़े दैट इज दिस वन रेगुलेट यस यस yes. तो कौन करेंगे रेगुलेशन कौन करेंगे वॉम ब्लडेड करेंगे वॉम ब्लडेड का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी कौन है वॉम ब्लडेड का एग्जाम्पल यस मेरे बच्चों बताया दो, दो होते हैं मैमल्स मैमल्स होते हैं और बताओ कौन होते हैं बर्ड्स होते हैं ठीक है बर्ड्स होते हैं यानी कि इसके इस केस में एक्सटर्नल फैक्टर डिस्टर्ब नहीं कर सकते उसकी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को इंटरनल टेम्परेचर को कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी होते हैं लोअर इन वर्टिब्रेट्स भी होते हैं यस yes, मेरे बच्चों चलिए तो ये बात होगी मेरे रेगुलेट की ठीक है ओहो लिखा हुआ था अ oh गॉड तो एग्जाम्पल बर्ड्स मैमल्स लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इन वर्टिब्रेट्स नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं ओ पहले ही बता दिया इसने थर्मो मैं आऊंगी बेटा इस पे अभी दोबारा इसको दो मिनट के लिए होल्ड पे रखिए आई विल कम टू दिस अंडर अडेप्टेशन ठीक है जी दो मिनट के लिए होल्ड पे रखिए यहाँ आ रही हूँ पहले कॉन्फर्म

बट मैं यहां से बताना चाहूंगी ग्राफ देखो ये वाला ग्राफ पढ़ लिया ये वाला भी पढ़ लिया इस ग्राफ को देखो देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो शुरुआत में तो रेगुलेटर है शुरुआत में रेगुलेटर है लेकिन बेटा बाद में जाकर हाथ खड़े कर देते हैं कह रहे अब ना हो पा रहा अब बस कन्फर्म कर लूंगा मैं शुरुआत में उन्होंने पूरी एनर्जी लगाई और कांस्टेंट रखने की कोशिश करी लेकिन बाद में बेचारे हार गए तो इस ग्राफ को ना ऐसे नहीं पढ़ना है इस ग्राफ को ऐसे पढ़ना है रीडिंग देख रहे हो ग्राफ की यस yes, मेरे बच्चों ग्राफ की रीडिंग देख रहे हो ग्राफ की रीडिंग यहां से यहां नहीं जाएगी ग्राफ की रीडिंग यहां से यहां पर आएगी ठीक है यहां से यहां पर आएगी तो ये होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स कुछ देर तक उन्होंने रेगुलेट किया बट आगे जाके नहीं कर पाए आगे जाके बेटा जी उन्होंने थक गए कह रहे बस अब अपने लोग कॉन्फर्म कर लेंगे इससे ज्यादा अपने से नहीं हो पा रहा अब चलते हैं माइग्रेट की तरफ यस माइग्रेट तीसरा वाला माइग्रेट कहता है कि जगह छोड़ के कहीं फेवरेबल जगह पे चले जाना मेनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल हैबिटेट हैबिटेट से जाकर हॉस्पिटेबल एरिया में जाकर अपना स्ट्रेसफुल पीरियड बिता लेते हैं जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन को छोड़ के आ जाना बहुत ठंडी पड़ रही है गर्मी में आ जाना दिल्ली वाले करते हैं ना ऐसे सब करते हैं जब बहुत गर्मी पड़ेगी ना जून में सारा पंजाब दिल्ली नॉर्दर्न इंडिया यू विल सी इन शिमला मनाली जी ये क्या है एक लेवल का माइग्रेट है खैर उनको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो रेगुलेटर्स हैं बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ वो नहीं भी जाएंगे तो भी दिल्ली में सर्वाइव कर लेंगे बट हाँ थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए जाते हैं बट उन पर एप्लीकेबल नहीं है एनी anyway, वे कुछ बर्ड्स बेटे जी ऐसे हैं जो अपने अनफेवरेबल कंडीशन को छोड़ के फेवरेबल पे जाते हैं जैसे कि साइबेरियन ग्रेन जैसे कौन सी है मेरी साइबेरियन ग्रेन साइबेरियन क्रेन ठीक है साइबेरियन क्रेन बेटा साइबेरिया है? है, को छोड़ के इंडिया के भरतपुर राजस्थान एरिया में क्योलाडो है, वहां पर आती है कहालाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में आती है ठीक है जी यस yes, चलिए अगर बेटा जी माइग्रेशन में कोई छोड़ के चला जाए जगह एग्जिट क्या हो जाए एग्जिट तो एग्जिट को क्या बोलते हो इमिग्रेशन क्या बोलते हो एमीग्रेशन और बेटा जी जब एंट्री होती है एंट्री इन होता है तो क्या बोलते हो इमिग्रेशन ये वर्ड्स क्या मतलब होता है मेटाबॉलिज्म रोक के बैठ जाना ठीक है सस्पेंड का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन है और अपने मेटाबॉलिज्म को रोक कर बैठे हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड करके बैठे हैं रोक कर बैठे हैं ठीक है जी बहुत सारे ऐसे है सस्पेंशन के मैं मैं वन वन बाय आपको बता रही हूं। मैं रही नंबर नंबर भी जा बेटा यहां pointing out the number. बेटा पर आई एम पॉइंटिंग आउट द सबसे सबसे पहला पहला जी बैक्टीरिया में फंजाई में और लोअर प्लांट्स में स्पोर्स बन जाते हैं जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेंगे यानी कि पहला सस्पेंशन का एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं स्पोरुलेशन ठीक है स्पोरुलेशन दूसरा एग्जाम्पल बेटा जी अपन लोग किस में देखते हैं प्लांट्स में प्लांट्स में पहली चीज आ जाती है कि सीड्स बनाते हैं सीड्स मैंने तुम्हें ऐसा रेसिपी में बताया था डोरमेंसी में मदद करते हैं तो जब तक अनफेवरेबल सीड बने रहेंगे फेवरेबल हो जाएगा तो बेटा उससे सीडलिंग प्लांट बन जाएगा दूसरा बेटा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वेजी अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जैसे कि कॉम्स राइज़ोम ट्यूबर याद आया याद आया बेटा मॉर्फोलॉजी में कराया हुआ है ये भी आपके सस्पेंड का ही पार्ट है अच्छा अगर तीसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल एनिमल में प्लांट में पता चल गए चलिए एनिमल में हाइबरनेशन कौन करता है ड्यूरिंग विंटर कौन कर रहा है बियर्स दिस इसको बोलते हैं विंटर स्लीप हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप विंटर टॉलरेट नहीं हो रही तो सो जाओ यार विंटर स्लीप समर टॉलरेट नहीं हो रही तुमसे तो समर में सो जाओ

मेटाबॉलिज्म नहीं डेवलपमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं जू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लस डेवलपमेंटल ठीक है यस yes, मेरे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज डाया पता चल गई सबको एग्जाम्पल मेरे बच्चों पता चल गई सस्पेंड की सारी एग्जाम्पल याद रख लोगे सारे एग्जाम्पल याद रख लोगे बताओ चलिए ये छोटा सा पोर्शन बेटा जी अपना यहाँ पर रह गया था वैसे अडाप्टेशन में भी आएगा मैं कवर कर देती पर थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं सबसे पहले मैमल्स के पास टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए क्या है होम्योस्टैसिस क्या है होम्योस्टैसिस आ जाओ समर में क्या होता है बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसीलिए अपन लोग स्वेटिंग करते हैं सिंपल समर में क्या करते हैं स्वेटिंग करते हैं ताकि बेटा ठंडक आए और बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए विंटर में क्या कर लेंगे कांपने लग जाएंगे शेवर करेंगे शेवरिंग करेंगे ताकि बेटा बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाए ठीक है अब ये जो थर्मो रेगुलेशन है काफी एक्सपेंसिव है स्पेशली स्मॉल एनिमल्स के लिए अपन लोग तो कर लेंगे लेकिन ये छोटे एनिमल्स कैसे करेंगे श्रूज हैं हमिंग बर्ड्स हैं कैसे करेंगे अब क्या है यस अब क्या है उनको अडाप्टेशन के लिए और बहुत से माध्यम करने पड़ेंगे ये लाइन एक बारी के लिए रुक जाइए मैं अभी रूल्स कराऊंगी एलन रूल बॉगमैन रूल जॉर्डन रूल उसमें आ जाएगी ठीक है उसमें आ जाएगी क्या दिक्कत हो गई इस बच्चे को आज हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं आया हाँ जी लिली क्या कह रही है लिली कह रही है मैम प्लीज कम से कम कम से कम टेस्ट तो हिंदी इंग्लिश दोनों में करा दिया करो हम आपकी क्लास तो इंग्लिश में कर लेते हैं समझ आ जाता है लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं पता चलता बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था टेस्ट के लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस की तो प्लीज हमें माफ करें हमारे पास हम पढ़ा तो देंगे आपको और समझ भी आ जाएगा हिंदी एनसीईआरटी रखिए लेकिन आपको टेस्ट के लिए बेटा हिंदी के लिए कुछ और टेस्ट सीरीज टाइप खरीदनी पड़ेगी वो मेरे पास नहीं है ठीक है जी थैंक यू थैंक यू ओ गॉड एंटरटेनमेंट नहीं हुआ यार इससे हाँ जी मनजीत कह रहे हैं ट्वेल्थ एग्जाम है वन शॉट क्या आपका मैम का बायोलॉजी है बेटा एम पात्रा ठीक नहीं हो क्या थोड़ा आंखों में दिक्कत चल रही है क्या मुझे लग रहा है थोड़ा आईज में ना प्रॉब्लम हो रहा है आपके क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि हम वन शॉट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वन शॉट इज एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना क्या वन डे वन चैप्टर जो यहाँ लिखा हुआ है वो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट वो वन शॉट नहीं होता है हो हैं है? एक तो ये जो नाम चल पड़े ना वन शॉट्स बहुत ही गड़बड़ नाम है वन 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 शॉट का मतलब ही तो वन वन चैप्टर होता है मैं इसको वन शॉट बोलू मैं इसको वन डे वन चैप्टर बोलू बात तो एक ही है ना मनजीत जी और मनजीत जी ट्वेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने ट्वेल्थ पहले शुरू की है जेनेटिक्स करवाई है स्पेशली आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी कराइए बारहवीं कक्षा के लिए इकोलॉजी कर रहे हैं बारहवीं के लिए क्यों कर रहे हैं ताकि तुम अपना बोर्ड्स भी ठीक ठाक दे पाओ लेकिन कम से कम पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ टाइटल में बेटा सेशन तो लाइक नहीं किया जब तक जब तक फोर के तक नहीं जाएगा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे मैम जी मेरे बच्चों जब तक फोर के तक नहीं जाएगा फटाफट से सेशन को लाइक कर दो इसी बात पे की बात पे फटाफट तक फटाफट फटा, फोर के तक ले जाओ यस कम ऑन फास्टली ले जाओ तो आगे हम हमेशन पे आ जाए हाँ जी मेरे बच्चों पे आ रहे हैं adaptation क्या होता है कोपअप करना है एक्सटर्नल से क्या करना है कोप अप करना है आ जाओ कोप अप कर लें करना तो है ही कुछ भी कहो करना तो है ही अडेप्टेशन का मतलब है आपकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखते हो फिजियोलॉजी अंदर से फंक्शनिंग

नेक्स्ट जनरेशन ठीक है जी, जी, आता है बेटा बहुत सारे तरीके के adaptation है. जैसे मैंने आपको नंबर वन यहाँ पर बताया मॉर्फोलॉजिकल दूसरा फिजियोलॉजिकल तीसरा बिहेवियरल चौथा मैं यहाँ पर टाइप बता रही हूँ खुद से लिख रही हूँ एनाटोमिकल एनाटोमिकल ठीक है और फिजियोलॉजिकल हो गया यहाँ पर yes? तो ये सारे तरीके की आपकी अडेप्टेशन है वन बाय वन एनसीआर कुछ एग्जाम्पल्स देती है जिन एग्जाम्पल्स को अपने को याद रखना है पहला एग्जाम्पल बेटा जी इसने दिया कैंगू रैट का रैट कैंग नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट क्या अडेप्टेशन है बेटा जी ये जो रैट है डेजर्ट में कैसे रह जाता है ये बेटा जी डेजर्ट में ऐसे रहता है सबसे पहला इट कैन इट कैन यूज वॉटर मेटामोलिक वॉटर पानी नहीं पीता बेटा ये अपनी बॉडी की फैट ऑक्सीडेशन से पानी बनाता है और उसी पानी पे सरवाइव करता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करके पानी बनाया और उसी पानी को बेटा जी इसने पिया देर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पानी इसको पानी नहीं मिलता बेटा वहां के डेजर्ट में फैट ऑक्सीडेशन से पानी बनाया और उसी पानी पे सर्वाइव किया दूसरा बेटा ये जो मेरा कैंगरू रैट है ये इसका फर्स्ट पॉइंट है ये इसका सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट बेटा जी है इट कैन कॉन्सेंट्रेट यूरिन सो दैट मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज एज अ

बॉडी का ही है ना अंदर फंक्शनिंग का अडैप्टेशन है तो ये जो दोनों अडैप्टेशन मैंने आपको बताए हैं दे आर बेसिकली फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन क्वेश्चन आ सकता है ये जो कंगारू रैट का अडैप्टेशन एनसीईआरटी बताती है फिजियोलॉजिकल इसके और अडैप्टेशन मैंने आपको एक्सक्रीशन में बताए हुए हैं ये जो कंगारू रैट है इसके अंदर नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है कंगारू रैट्स उनके ऊपर होगा थिक क्यूटिकल ठीक है जी ताकि ट्रांसपेरेशन कम हो उनका जो स्टोमेटा है वो डीप होगा डीप होने का मतलब है संकन स्टोमेटा संकन स्टोमेटा है ना मानते हो कि नहीं मानते हो

इसकी फिजियोलॉजी में कैम साइकिल चलता है तो दूसरा अडेप्टेशन क्या हो गया फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर हाँ यस yes, तीसरा भी दिया हुआ है यहाँ पर तीसरा अडेप्टेशन बेटे डेजर्ट प्लांट का क्या होगा कि भाई इसमें पत्तियां ही नहीं है नो no, पत्ती लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स ठीक है ये कैसा अडेप्टेशन हो गया मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन तो डेजर्ट प्लांट के अंदर रहने के लिए डेजर्ट में एनाटोबिकल अडेप्टेशन भी है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है और दिखने वाला मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है क्या ये बात क्लियर हुई मेरे बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई यस yes. क्या ये बात क्लियर हुई बताना हाँ जी क्या ये बात क्लियर हुई यस yes.

वो किस वजह से होते हैं ताकि उनकी हीट का जो लॉस है वो कम हो बेटा जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिटीज होंगी ना हमारे हीट का लॉस मेजरली यहाँ से होता है हाथों से पैरों से तो छोटे छोटे बनाएंगे तो कम लॉस होगा इसको बोलते हैं एलन रूल्स ठीक है जी तो मैमल्स लाइक सील्स हैव थिक लेयर ऑफ ब्लबर उनके पास फैटी टिश्यू की लेयर होती है जो कि इंसुलेटर की तरह काम करती है ठीक चलिए नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल केमिकल अडेप्टेशन करें बेटा फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल केमिकल अडेप्टेशन हाँ जी फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल बायोकेमिकल्टन पहला बैक्टीरिया जो है वो इतने हॉट स्प्रिंग में में डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट रहते हैं जहां पर टेम्परेचर बेटा जी सौ से भी ज्यादा है कैसे क्या कोई बच्चा बता सकता है हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करा था बिकॉज ऑफ देयर मोनोलिपिड लेयर उनकी जो सेल मेम्रेन है और सेल वॉल है वो स्पेशली डिजाइंड है इसके लिए कि ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर पाए नेक्स्ट

अपन को भी तो उल्टी आती है ऑल्टीट्यूड सिकनेस घबराहट होगी दिल धड़केगा हाय मेरा जी मचलता है तो जी जो मचलता है वो इस वजह से मचलता है फटीक क्यों क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम मनाली कुल्लू शिमला मसूरी कश्मीर, गुलमर्ग यहाँ पर जब जाते हैं ना तो सबका जी मचलता है क्यों जी मचलता है क्योंकि बेटा जैसे जैसे पहाड़ की तरफ जाओगे पहाड़ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वहां पर अपने को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है ऑक्सीजन नहीं मिलती है थोड़ा समय लगता है मतलब जब हम पहाड़ों पे जाते हैं सफर में हमारे पास इतना आरबीसी नहीं है कि वो लो ऑक्सीजन पे सरवाइव कर पाए लेकिन अगर तुम वहां रहना शुरू कर दो तो तुम्हारा जी नहीं मचलेगा क्यों बेटा जब तुम वहां रहना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ठीक है आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तुम देखोगे तुम्हारा ब्रीदिंग रेट भी जो है वो बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी रिड्यूस्ड ब्रीदिंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि एक बार अगर हीमोग्लोबिन चिपक गया तो वो अलग नहीं होगा फिर फिर गड़बड़ हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में बाय इंक्रीजिंग द आरबीसी ब्रीदिंग रेट एंड डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इस पे बेटा जी बच्चे जरूर गलती कर देते हैं उनको लगता है कि पहाड़ों में जाने से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को चिपकाना है चिपकाना नहीं है बेटा अलग करना है अपन को ऑक्सीजन चाहिए अगर हीमोग्लोबिन के साथ चिपका दी तो गड़बड़ हो जाएगी मुझे कैसे मिलेगी सेल को कैसे मिलेगी ठीक है जी तो अपने को चिपकाना है है डिक्रीज करनी बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करनी इस वाले पे फोकस करना इस वाले पे फोकस करना ठीक है जी यस अगला आता है बिहेवियरल में डेजर्ट क्या है तुम देख के हंस हंस दोगे दो बेटा जब बेटा जी सन आता है सन तो में आके धूप सेक लेती है ठीक है एब्जॉर्ब हीट जब उनको ठंड लगती है जब बेटा जी उनको गर्मी लगती है तो छाओ में चली जाती है हमारी तरह ही है हम भी तो यही करते हैं जब हमें ठंड लगती है हम धूप में आ जाते हैं जब हमें गर्मी लगती है तो हम छाव में आ जाते हैं डेजर्ट लिजर्ट भी वही कर रही है ठंड लग रही है मैं धूप में जा रही हूँ धूप सेकने गर्मी लग रही है मैं छाओ में जा रही हूँ छाऊ में ठीक है

एलन रूल दिया हुआ था ना एक यहाँ पर बर्गमैंस रूल भी बता दो बर्जमैन बोलना बर्जमैन बोल लो बॉर्जमैन रूल ये रूल क्या कहता है ये भी ठंड वालों पे काम करेगा दिख रहा है सबको एक मिनट ऐसे कर देती तो अब दिखेगा दिख रहा है बर्गमैन्स रूल कहता है कि जो मैमल्स ध्यान देना जो मैमल्स कोल्डर रीजन में है कहा पर है कोल्डर रीजन में इनका है इनका जो क्लाइमेट है इनका जो क्लाइमेट है वो बहुत लो है इनका जो क्लाइमेट है वो लो है तो दैट इज वाई दैट इज वाई हैव लार्ज साइज लार्ज साइज हो लार्ज साइज होने का मतलब है इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या है लो है अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है लो है तो इनका हीट का जो लॉस होता है ना वो लेस होता है या स्लो बोल लो ठीक है तो एलन रूल कहता है ठंड में रहने वाले मैमल्स के कान छोटे लिम्स छोटे ताकि हीट लॉस ज्यादा ना हो बर्गमैन रूल कहता है कि ठंड में रहने वाले मैमल्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा ताकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाए कम होने की वजह से बेटा जी हीट का जो लॉस है वो स्लो हो जाएगा यस चलिए वी आर डन विद द द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर पहला हिस्सा चैप्टर का जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था न्यू एनसीईआरटी इसको मना करती है बट वो सिलेबस में हमारे एनटीए ने डाल दिया है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज नाउ डन अब अपन लोग चल रहे हैं पॉपुलेशन यस yes. आप किस पे चल रहे हैं मेरे बच्चों पॉपुलेशन पे तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स करना है बहुत आसान है ये वाली इक्वेशन करनी है दो मॉडल्स करने हैं एंड पॉपुलेशन की इंटरक्शन करनी है तो रेडी रेडी मेरे बच्चों एक बार फटाफट से आधा हिस्सा चैप्टर का सेंस हो गया है अपनी अपनी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो सेशन को लाइक करके कॉमन गाइड फास्टली मार्क योर अटेंडेंस एंड बता दो यू आर विद मी क्या गाइस, हाँ जी मैंने बोला था यही सबसे बड़ा चैप्टर है कॉलेजी का इससे बड़ा कुछ है ही नहीं क्या कह रहे हैं मैम क्लास का ड्यूरेशन क्या है क्लास का ड्यूरेशन क्या है कितनी बारी पूछोगे बेटा जब तक चैप्टर नहीं खत्म होता मैडम यही बैठी है क्योंकि वन शॉट है तुम बैठो ना बैठो क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है लेकिन मेरे में हिम्मत आया बैठने की तुम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि तुम थोड़े से गट सी नहीं हो जिसको घट सी नहीं होते ना बेटा थोड़े से फट्टू टाइप्स होते हैं तुम वो हो तुम में हिम्मत नहीं है बेटा पूरा चैप्टर सुनने की क्योंकि तुम बेटा अपने आप से फाइट नहीं कर पाते हो तुम कोशिश तो करते हो शुरुआत करते हो कि मैं बैठूंगा लेकिन बैठ नहीं पाते हो और ये मैं गारंटी ले सकती हूँ नाइन्टी परसेंट बच्चा बैठ नहीं पाता है इसी वजह से नाइन्टी परसेंट बच्चे का नीट में सिलेक्शन भी नहीं होता है चौबीस लाख नहीं पच्चीस लाख बेटा जी एनरोलमेंट आए हैं इस पर ही पच्चीस लाख में से तुम सीट बीट बढ़ा भी लोगे तो भी तुम्हारे पास एक लाख दस हजार से ज्यादा सीट नहीं है सिलेक्शन का जो दर है दर है तो है 1 है वो लेस 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 देन 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 अब 1 में ऐसे बच्चों का होगा जो अपने ऊपर ही जिनकी खुद की विल पावर इतनी नहीं है कि हम क्लास पूरी धुन ले जिनकी खुद की विल पावर इतनी नहीं है कि हम पूरा चैप्टर यहाँ बैठ के कर लें नहीं है तभी सिलेक्शन भी नहीं है ना होता तो सिलेक्शन भी हो जाता है ना तो तुम जब खुद को चैलेंज देते हो ना बेटा नाइनटी परसेंट चैलेंज तुम लूज करते हो अपने आप से अपने आप से बड़ा सोचो ड्रीम बिग डोंट लेट एनी टेल यू कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा या कुछ है तुम कर सकते हो लेकिन तुम हार जिस दिन अंदर से मान गए उस दिन सब वन शॉट टू शॉट हाफ शॉट सब छोड़ देना कोई फायदा नहीं होगा कोई भी फायदा नहीं होगा दिखा दो फिर अपनी सिटिंग बैठ पाओगे एक घंटा और मैं तो यहीं बैठी हूं यस yes, बैठ पाओगे हो जाए फिर चलो देखते हैं किसमें गट्स हैं देखते हैं मेरे बच्चों किसमें गट्स हैं देख लेते हैं तुम बोल रहे हो तो मैं मान जाती हूँ है नहीं ना मुझे पता है मुझे बच्चों का पता होता है यस yes. एक तो यार ये जो लाल रंग से करते हैं ना कौन है ये लाल रंग वाला क्वेश्चन मार्क वाला बच्चा लेट मी आरजा आरजा कह रही है मैम कल बायोटेक का प्रैक्टिस सेशन और इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन कब होगा चैप्टर खत्म हो गया जो अभी करा दू कल होगा बायोटेक का परसों होगा इसका ठीक है कल बायोटेक का परसों होगा इसका चलिए आगे आ जाइए

वन बाय वन डिस्कस करेंगे फिर इसके एक इक्वेशन है पिछले दो साल में इस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल बन चुका है और पिछले दो साल में ही इनके फॉर्मुलाज पे व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट इस पे भी न्यूमेरिकल आ चुका है दो हजार बाईस तेईस में ही आया है इस पे न्यूमेरिकल आया और फिर बेटा उससे पिछले साल पर इसकी एट्रीब्यूट वाली जो कॉमन इक्वेशन है उस उसपे न्यूमेरिकल आया तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है तुम कर सकते हो इन सब चीजों को चलिए तो बर्थ रेट डिनोटेड बाय बी

जैसे बेटा जी इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है एनसीआर के एग्जाम्पल है प्लीज यहाँ पर ध्यान देना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले मेरे पास क्या थे बीस लोटस प्लांट थे एक पॉन्ड में लास्ट लास्ट ईयर ईयर जैसे मान लो दो हजार तेईस दो हजार तेईस रिप्रोडक्शन आठ नए प्लांट इस साल एड हो गए दो हजार चौबीस में आठ नए प्लांट एड हो गए तो बताओ बर्थ रेट क्या हुआ बर्थ रेट का बेटा जी सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के जा रही हूँ चेंज अपॉन फाइनल कितना चेंज हुआ अपॉन फाइनल अपॉन फाइनल इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है चेंज को कैसे लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन इनिशियल तो चेंज अपॉन इनिशियल हो गया या फिर या फिर चेंज को लिख लो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल तो चेंज कितना हुआ चेंज हो गया आपके पास यस yes. इज द बर्थ रेट कितना हो गया आपका बर्थ रेट आप बोल रहे हो पहले मेरे पास आठ थे आठ के बाद मेरे पास अट्ठाइस हो गए है ना 2023 में मेरे पास आठ प्लांट थे 20 प्लांट थे सॉरी एंड 2024 में मेरे पास आठ मिलाकर अट्ठाइस हो गए ना तो चेंज क्या हो जो फाइनल माइनस इनिशियल अट्ठाइस माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन इनिशियल कितना है इनिशियल है बेटा जी मेरे पास

Death को mortality बोलते हैं 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 तो ये 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 हो जाएगा मेरा अब देखो यार इसने भी NCRT ने example दी है कह कह रहे ये कह रहे पहले मेरे पास कितनी फ्लाइट थी इनिशियली ध्यान देना इनिशियल मेरे पास कितनी मक्खियां थी चालीस चालीस में से बेटा डेथ कितनों की हुई डेथ कितनों की हुई चार की हो गई यानी कि फाइनल मेरे पास कितनी रह गई 40 4 36 मेरे पास फाइनल रह गई 36 रह गई अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेथ रेट सेम डेथ रेट का भी मैं फार्मूला लिख रही हूँ डेथ रेट का फार्मूला होगा इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल यस इनिशियल कितनी थी 40 फाइनल कितनी हो गई थी मेरे पास 36 अपॉन इनिशियल दैट इज 40 दैट इज 4 बाय 40 is equal to point ये क्वेश्चन आ चुका है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी 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 थ्री के पेपर में था आ, चुक है yes, है, आ चुका है ये सवाल यस मेरे बच्चों ये ने जो यहाँ पर पिंड है इसमें सबने एनरोल कर ली है फ्री वाले यस yes, मेरे बच्चों बताइए क्या आपने फ्री वाले में एनरोल किया फ्री ट्रायल में खत्म होने वाला है दो दिन बचे यस पता ना फटाफट से कितने बच्चों ने एनरोल कर लिया कितने बच्चों ने एनरोल कर लिया क्लास खत्म नहीं हुई ना न ना ना ना। क्लास तो चल रही है कितने बच्चों ने एनरोल कर लिया यस जिसने नहीं किया किसका इंतजार है लिंक पिन किया हुआ है बेटा उसमें ना जो बायोटेक और जेनेटिक्स मैंने आपको कराए हैं अभी पूरे पूरे उसका मैं आपको आज टेस्ट का लिंक देने वाली हूँ पूरी टेस्ट सीरीज का लिंक And मैं चाहती हूँ आप इस फ्री ट्रायल में एनरोल करके उस टेस्ट को अपेयर करके मेरे साथ अपने मार्क्स शेयर करें बात अल्टीमेटली तो मार्क्स के लिए कर रहे हैं ना नंबर ही नहीं आ रहे तो क्या फायदा पड़ने का तो आज मैं आपके साथ टेलीग्राम पर जब ये शेयर करूंगी डीबी भी, भी शेयर करूंगी साथ ही में साथ ही में इसके साथ मैं आपको अपने विश्वास बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच बेटा जी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे मुझे पता है सबसे ज्यादा रिजल्ट आने वाले हैं विश्वास बैच का मैं आपको टेस्ट शेयर करूंगी अपने बायोटेक का और जेनेटिक्स का वो बैच का टेस्ट है प्लस का टेस्ट है लेकिन सिंस जिस बच्चे के पास फ्री ट्रायल होगा वो उस टेस्ट को दे पाएगा तो देख लो वो चैलेंज भी तुम लेते हो कि नहीं लेते हो ठीक है चलिए आ जाते हैं वापस तीसरा बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कौन सा है सेक्स रेशो तीसरा कौन सा बेटा सेक्स रेशो है कि मेल्स uh, पे कितने फीमेल्स हैं नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल्स तो नंबर ऑफ फीमेल फीमेल पर थाउजेंड मेल्स पर थाउजेंड मेल्स ठीक है यस हर पॉपुलेशन का एक सेक्स रेशो होता है एग्जांपल सिक्सटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल फोर्टी परसेंट इज मेल्स तो एज के हिसाब से डिवाइड किया मतलब सबसे नीचे जो छोटे बच्चे हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज बीच में जो रिप्रोडक्टिव हैं और उससे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव बूढ़े लोगों को और बताओ एक पॉपुलेशन में क्या बच्चे ज्यादा हैं जवान ज्यादा हैं या बूढ़े ज्यादा हैं ठीक है स्ट्रक्चर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन पॉपुलेशन तो मैंने को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया बच्चे जवान बूढ़े बच्चे को क्या मैं प्री रिप्रोडक्टिव बोल सकती हूँ हाँ जवान को रिप्रोडक्टिव और बूढ़े लोगों को पोस्ट रिप्रोडक्टिव ठीक है जी ऐसे बोल सकते हैं तो ये बता रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए तीन तरीके के पिरामिड्स हो सकते हैं पहला पिरामिड ये देखो येलो कलर से जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव है बीच का जो ब्लू है वो जवान यानी कि रिप्रोडक्टिव है ऊपर वाला पिंक जो है वो बूढ़े दैट इज पोस्ट रिपोर्डक्टिव है तीन तरीके की पॉपुलेशन हो सकती है अगर तो बच्चे सबसे ज्यादा हैं यानी कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा हैं कल को बच्चे ही तो जवान होंगे जवान होंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे है ना एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ सच कंट्री जिसमें ऐसा ट्राइंगुलर शेप देखने को मिलता है दैट इज इंडिया शेप शेप क्या है है पर शेप यहाँ पर लिखते जाओ पिरामिड है. कैसा है ट्राएंगर पिरामिड है अगली देखिए पॉपुलेशन ये कह रहे हैं बच्चे और जवान बराबर मतलब आज जितने जवान है उतने ही कल होंगे कल माने कुछ सालों बाद होंगे क्योंकि यही बच्चे जवान बनेंगे मतलब कुछ फर्क नहीं आया आज जितने जवान लोग हैं उतने ही कल को जवान होंगे मतलब दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पर जो पॉपुलेशन का मेट्रिक्स uh, है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं एंड हेयर शेप इज बेल शेप कैसी शेप आ रही है बेल शेप कब आ रहा है कंट्री का कोई एग्जाम्पल हाँ जो अपनी फॉरन कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्रीज है वो, uh, जैसे यूएस वगैरह है डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी स्टेबल पॉपुलेशन है तीसरा बड़ा तरंगी है ये कह रहे हैं बच्चे भी कम है बूढ़े भी कम है बीच के जवान लोग ज्यादा है आज तो ठीक है भाई आज जवान लोग ज्यादा है लेकिन तुम बोल रहे हो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे अगर वो कम बच्चे पैदा करेंगे तो कल को जवान लोग तो कम हो जाएंगे यानी कि कल को इस पॉपुलेशन का फ्यूचर अच्छा नहीं है कल को बेटा जी पॉपुलेशन कैसी है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है क्योंकि रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव वाले लोग प्री से ज्यादा है, है ना बोल सकते हैं ना रिप्रोडक्टिव वाले लोग प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है Declining. कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं कंट्रीज हैं बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे डेनमार्क स्कॉटलैंड ये सब बेटा जी यहाँ पर कल को पॉपुलेशन ऑलमोस्ट गायब होने वाली है क्योंकि बस अभी अभी जवान बचे हैं वो बच्चे करते नहीं है अब जितने थोड़े बहुत बच्चे की बस वही जवान आएंगे यानी कि आज से कंपैरिजन तो कल पॉपुलेशन कम हो जाएगी ना हेयर द शेप इज घड़ाशेप घड़ा शेप इज ऑनशेप्ड पॉपुलेशन ठीक है ऑन पॉपुलेशन यस मेरे बच्चों क्या ये बात क्लियर हो गई है क्या ये बात क्लियर हो गई है चलिए सो विध दिसन एट्रीब्यूट

पहला तरीका क्या है सेशन को लाइक क्यों नहीं करे यार है बच्चों कर दो ऐसे ही मत करो यार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो क्या रहे हैं? आपको भी कुर्सी की आवाज आती है क्या अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए अब आए ये ओहो हमारा एंटरटेनमेंट अब मैं इतनी दूर से कैसे पढूं रुको लैपटॉप को पास लाना पड़ेगा थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अंसारी चलिए सब का टेस्ट दे प्रॉब्लम आ रही है ना यूएलएफ में मतलब सब बच्चे नए नंबर से मम्मी पापा किसी का फोन ले लो ना उन्हीं के नंबर पे उन्हीं में ऐप डाउनलोड करके करो कई बार सेम बच्चे से प्रॉब्लम आ रही है आप उनके फोन में करोगे तो चल जाएगा हां जी कह रहे हैं हमारे एंटरटेनर कह रहे हैं नाराज क्यों होती हो किस बात पे हो रूठे अ एक मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा खराब हो जाएगा इसे शेर नाराज क्यों होती हो किस बात पे हो रूठे अच्छा चलो माना तुम सच्चे हम झूठे क्या बात कब तक सबसे छुपाओगे तुम हमसे हो प्यार करते गुस्सा तो बहाना है दिल में हम पे हो मारते दिल में गुस्सा तो बहाना है दिल में हम पे वॉट इज हम पे ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रही लास्ट लाइन पूरा नहीं है बट अच्छा भी नहीं है आज का पोअर वेरी पोअर ये हम पे क्या लिख दे टाइपिंग मतलब टाइप तो वैसे भी तुमने करना नहीं था टाइपिस्ट तो तुम हो नहीं तुम तो कॉपी पेस्टर हो यहां से सिलेक्ट करके कॉपी पेस्टिंग में भी गलत कर दिया बच्चे ने क्या बात है यार कॉपी पेस्टिंग में भी बच्चे ने गलत कर दिया है ना भी गलत क्या फायदा यार क्या फायदा चलो अच्छा एक बात बताओ कल इको सिस्टम करोगे कि परसों करोगे कल करोगे कि परसों मैं सोच रही हूँ परसों करा दू एक दिन का गैप लें ताकि कल हम प्रैक्टिस क्लास कर पाएं इस टाइम पे कल हम प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे एप्लीकेशंस की एक एक दिन छोड़ के क्योंकि लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं ना लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं कल करोगे चलो मैं कमेंट्स में करवाऊंगी कमेंट्स में मुझे बताना चलो पॉपुलेशन का मापदंड कैसे करेंगे पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालने के टोटल तो 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 चार तरीके हैं सबसे पहला तरीका क्या है नतरीका नंबर वन बेटा ये नोट्स बहुत अच्छे हैं ध्यान से सीख लो इससे पूरी एनसीआर आपको लर्न हो जाएगी पहला तरीका है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया वॉल्यूम निकाल लो है ना सिंपली काउंट कर लो जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड इज नियरली लेस देन टेन इट इज मिलियंस फॉर क्लेमाइडोमोनास इन पॉन्ड

अगर किसी एरिया में 200 सौ पार्थीनियम ग्रास है छोटी छोटी ग्रास है एंड सिंगल ह्यूज बनियन ट्री है तो क्या तुम बोलोगे बनियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है बताओ तुम बताओ क्या बरगद के पेड़ को तुम कम मांगोगे बरगद का पेड़ है अरे बरगद के पेड़ के सामने छोटे छोटे पार्थीनियम है तो क्या पार्थीनियम जीत जाएगा क्योंकि पार्थीनियम 200 थे और बरगद का पेड़ एक था नहीं यहाँ पर नंबर से बात नहीं बनेगी गलत डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर डेंसिटी तो यार बरगद की ज्यादा है

टोटल नंबर इज डिफिकल्ट मेजर फॉर ह्यूज पॉपुलेशन पूरा नंबर निकालना तो मुश्किल है उस केस में अपन लोग क्या करते हैं रिलेटिव नंबर निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी जिसको बोलते हैं ठीक है जी ये क्या कहती है एग्जाम्पल द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट्स द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ लेक अब यार इतनी बड़ी लेक है इतनी बड़ी लेक मछली का नंबर गिनने के लिए क्या गोते लगाओगे बीच में स्विमिंग करते हुए जाओगे अरे एक मछली दो मछली तीन मछली नहीं तुमने एक एरिया में फिश ट्रैप लगाया जितनी मछली उस फिश ट्रैप में आई उससे अंदाज लग जाएगा कि टोटल कितनी है है ना टोटल कितनी है क्योंकि एब्सोल्यूट लेक तो बहुत बड़ी होती है इतनी बड़ी लेक में गोते लगा के बैठ के, के एक पर्टिकुलर एरिया में गिन लिया एंड बाकी उस हिसाब से टोटल बता दिया दिस इज रिलेटिव डेंसिटी चौथा नंबर क्या है चौथा नंबर है इनडायरेक्ट काउंट इनडायरेक्ट काउंट ये क्या कहता है ये कहता है कि भाई अब मेरे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है मुझे पता लगाना है यहाँ कितने टाइगर है टाइगर के पीछे भागू अगर बेटा मैं टाइगर गिनने चली तो मुझे गिनने वाला कोई नहीं बचेगा ये गारंटी है टाइगर गिनने नहीं चलेंगे टाइगर के पग मार्क से निकाल लेंगे इनडायरेक्ट यहाँ पर ये शेर का बेटा ऐसा ही होता है जिम कॉर्बेट में शेर वेर किसी को नहीं दिखता यहाँ शेर आया था ये उसकी पॉटी पड़ी है यहाँ पर यहाँ पर उसके पैर के निशान है वहीं से बेटा अंदाजा होता है अच्छा यहाँ शेर रहता है यहाँ चीता रहता है वेरी गुड वेरी गुड घर आके सब बताते हैं मैंने शेर देखा मैंने चीता देखा देखा किसी ने कुछ नहीं है देखा क्या है उसके निशान उसका एक्सक्रीटा वेस्ट मैटर तो ये है इनडायरेक्ट काउंट इनडायरेक्ट काउंट में हम लोग पॉपुलेशन साइज का पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पग मार्क पैरों के निशान पग माने पैर मार्क माने उसके निशान और जहां-जहां उसके हमें फिकल मैटर मिलेगा ठीक है जी यस yes, फिकल मैटर मिलेगा यही है सच्चाई गिनेंगे नहीं बेटा नहीं तो हमें गिनने के लिए कोई नहीं बचेगा बचे पता ही नहीं चलेगा हम कहा चले गए चलिए तो चार तरीके मैंने बताए पहला तरीका डायरेक्ट गिन लो डायरेक्ट गिनने वाला तरीका किस पे एप्लीकेबल है या तो क्लेमाइडोमिनासिन पॉन्ड और साइबेरियन साइबेडो नेशनल पार्क दूसरा तरीका बायोमास कवर पार्थिनियम और बड़गद के पेड़ वाला तीसरा रिलेटिव डेंसिटी एक इतने बड़े लेक में मछली नहीं गिन सकते तो फिश ट्रैप में जितनी आएंगी उस हिसाब से रिलेटिवली बता देंगे एब्सोल्यूट काउंट नहीं हो सकता है चौथा इनडायरेक्ट काउंट दैट इज विद पंक मार्क एंड फीकल पैलेट्स भूलोगे तो नहीं भूलोगे तो नहीं यस yes, मेरे बच्चों बिल्कुल भूलना मना है आगे आ जाइए पॉपुलेशन की ग्रोथ इस पे भी एक न्यूमेरिकल आ चुका है न्यूमेरिकल आ चुका है um, पिछले साल आए गैस आया yes. तो एक पॉपुलेशन में आप जानते हैं फूड लिमिटेड है, है, है ना खाना पीना लिमिटेड है प्रेशर बहुत है वेदर अलग टाइप का है, प्रेड़, है सब कुछ है यानी कि किसी भी एक जगह की पॉपुलेशन सेम नहीं रहती वहां नए जनों का जन्म होता है पुराने लोग मरते हैं कोई बाहर से रहने आता है कोई देश छोड़ के चला जाता है तो पॉपुलेशन की डेंसिटी और ग्रोथ कैसे मापदंड करोगे तुम बोलोगे चार फैक्टर्स हैं कितने चार फैक्टर्स हैं कौन से नटैलिटी नेटेलिटी माने बर्थ ये देखिए नटेलिटी का क्या मतलब होता है बर्थ दूसरा मोटेलिटी मोटेलिटी का मतलब होता है डेथ तीसरा होता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब होता है एंट्री चौथा होता है इमिग्रेशन ई फॉर इमिग्रेशन ई फॉर एग्जिट कितने लोग एग्जिट करके दे गए अब एक पॉपुलेशन की डेंसिटी बेटा जी डिपेंड करती है जितना ज्यादा जन्म होगा और जितना ज्यादा बेटा जी एंट्री आएगी उतना ही पॉपुलेशन बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर साइन क्या आएगा प्लस का और जितने लोग मरेंगे मोर्टालिटी और जितने लोग देश छेड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पर का है। प्लीज फोकस करके इसको देख लो कौन कौन पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं तो पॉजिटिव कौन कौन दे रहा है तुम्हें पता है पॉजिटिव एक तो बर्थ रेट दैट इज बेटा जी इमिग्रेशन एंट्री बर्थ पॉपुलेशन ग्रोथ को घटावा कौन दे रहा है कम कौन कर रहा है तो तुम बोलोगे मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट एंड ई फॉर इमीग्रेशन इमिग्रेशन में एग्जिट हो रहा है लोग देश छोड़ के जा रहे हैं पॉपुलेशन छोड़ के जा रहे हैं ठीक है जी ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए मैंने तुम बता दी है कि नटालिटी होता है अब कितना बर्थ हो रहा है मोटालिटी होती है कितनी डेथ हो रही है इमिग्रेशन का मतलब होता है एंट्री जो बाहर से अंदर आए हैं इमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट ई फॉर इमिग्रेशन ई फॉर एग्जिट याद रखना ठीक है एग्जिट अब किसी भी एरिया में, इन चारों में से हाँ <coughs> जी इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा मेरे बर्थ रेट रेट और डेथ है लेकिन अगर कहीं कॉलोनाइजेशन होती है जैसे नई बसावट हो रही है या कोई देश छोड़ के जा रहा है रेफ्यूजीज बन रहे हैं वहां पर इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का भी रोल है बट मेजर मेरे बर्थ और डेथ ही है मेजर मेरे बर्थ और हैं तो वही लाइन जो मैंने आपको लिखी है कि नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या करते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं चलिए अब यहाँ डेफिनेट इक्वेशन देख लीजिए बेटा जी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे सवाल आ चुका है प्लीज फोकस ऑन दिस इक्वेशन इफ n इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t देन डेंसिटी एट टाइम t 1 फिजिक्स हाँ जी डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज एन टी प्लस वन तो लिख लेते हैं एन टी प्लस वन तो पुरानी पॉपुलेशन प्लस उसमें कितने लोग ऐड हुए बर्थ और इमिग्रेशन से ऐड होते हैं और कितने लोग मर गए डेथ और इमिग्रेशन से मर गए दिस इज माय पॉपुलेशन एट टाइम टी प्लस वन दिस इज पॉपुलेशन एट टाइम टी गॉट इट चलिए एक मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दू एग्जाम्पल दू बताए सॉल्व करें जैसा सवाल आया था बोला जा रहा है कि एक किसी समय पर पॉपुलेशन की जो ओल्ड डेंसिटी है ओल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी थी वो थी 200. उसके बाद बेटा जी जन का दर है 15. इमिग्रेशन करके जो लोग आए दैट इज गोइंग टू बी फाइव सॉल्व करो फटाफट से उसी समय में बेटा जी डेथ्स हो गई अराउंड टेन एंड इमिग्रेशन करके कुछ लोग छोड़ भी गए छोड़ भी गए अराउंड यू कैन से थ्री थ्री छोड़ गए बताओ न्यू डेंसिटी कितनी है न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है कॉमन आंसर निकालिए 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 आंसर यस आंसर निकाल लो और मुझे बताओ कैलकुलेटर खोल के मत निकालो कैलकुलेटर खोलना मुझे अलाउड है तुम्हें नहीं है हाँ जी कितना आंसर आया कि बच्चों का अलग अलग कैसे आ रहा है अलग कैसे पॉपुलेशन हो सकती है तो आपको न्यू पॉपुलेशन निकालनी है यानी कि पॉपुलेशन एट टाइम टी प्लस वन तो ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है एन टी तो मैं सीधा यही लिख देती हूँ तो मेरे पास ओल्ड पॉपुलेशन थी दो सौ इसमें से कितने लोग एड हुए अर्थ प्लस इमिग्रेशन वाले एड हो गए माइनस जो मर के या छोड़ के चले गए उनको माइनस कर दो टेन प्लस थ्री को माइनस कर दो यानी कि दो सो ठीक है दो प्लस आना था पे। प्लस प्लस माइनस टेन प्लस थ्री थर्टीन ठीक दो सो प्लस बीस माइनस तेरह सात यस दो सो सात इज द राइट आंसर वेरी गुड साथी मैडम दो सो सात यस टू जीरो सेवन इज द राइट

केस नंबर टू है बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ प्लस एमिग्रेशन केस नंबर थ्री है दिख रहा है बर्थ प्लस बर्थ प्लस इमीग्रेशन इज लेस डेथ प्लस यस ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अच्छा पहले केस में लोगों का जन्म ज्यादा हो रहा है और मर कम रहे हैं नए ज्यादा आ रहे छोड़ के कम जा रहे हैं यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बड़ी पॉजिटिव है कैसी है पॉजिटिव यानी कि डेंसिटी जो यह है यहाँ पर बढ़ेगी वेरी गुड डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी दूसरा बेटा कह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग नए आए उतने ही मर गए कुछ चेंज ही नहीं आया यानी कि ग्रोथ इज जीरो कोई ग्रोथ नहीं हुई पॉपुलेशन की डेंसिटी बेटा जी सेम रहेगी सेम पॉपुलेशन की डेंसिटी रहेगी तीसरा केस में नीचे हो जाती हूँ दिख जाएगा बर्थ प्लस इमिग्रेशन कम है नए कम आए मर ज्यादा गए मर ज्यादा गए या छोड़ के ज्यादा चले गए यानी कि नेगेटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी है ना डिक्रीज हो जाएगी यस yes. दूसरा सवाल NCRT के बेस पर ही बता रही हूं अगर कोई एरिया बसा हुआ है ऑलरेडी डेवलप्ड ऑलरेडी कॉलोनाइज या पुराना एरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं जहां बसा हुआ एरिया है वहां पर चारों में से मेजर फैक्टर कौन से हैं बताओ चार फैक्टर है ना ने, नेटालिटी इमिग्रेशन इमिग्रेशन मेजर फैक्टर कौन से ऑलरेडी कॉलोनाइज है वो एरिया बसी हुई कॉलोनी है दिल्ली है या चंडीगढ़ है बसी हुई कॉलोनी है दो मेजर फैक्टर कौन से है चार में से भाई जो बसा हुआ है यहाँ जगह ही नहीं है और बसी बसाई जगह पे या तो जन्म से फर्क पड़ेगा नए लोग जन्म ले लें या फिर डेथ से फर्क पड़ेगा मेजर फैक्टर इसके अलावा तो कोई नहीं है लेकिन बेटा जी सेकेंड केस क्या आ सकता है न्यू हैबिटेट न्यू एरिया बन रहा है जैसे जैसे बेटा जी नोएडा के बाद नोएडा तो बसा हुआ है जितना है नोएडा के बाद नया एरिया ग्रेटर नोएडा और नया एरिया नोएडा एक्सटेंशन गुड़गांव के बाहर नया एरिया न्यू गुड़गांव चंडीगढ़ के बाद नया एरिया न्यू चंडीगढ़ सब ऐसे बना रहे अमृतसर के बाद नया एरिया न्यू अमृतसर तो जो नया हैबिटेट है यानी कि जो कॉलोनाइज हो रहा है गेटिंग कॉलोनाइज गेटिंग कॉलोनाइज्ड इसमें मेजर फैक्टर कौन से रहेंगे यहां पर इमिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट बर्थ रेट इमिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट बर्थ रेट बर्थ से ज्यादा बेटा जी यहां पर इमिग्रेशन पॉपुलेशन की डेंसिटी को चेंज करेगी दैट इट। विद पॉपुलेशन डेंसिटी चलिए दो टॉपिक्स बच गए अगला टॉपिक आता है बेटा ग्रोथ कर्स ग्रोथ कर्व के बाद ग्रोथ मॉडल्स उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन यस रेडी ग्रोथ कर्व के लिए रेडी ये मैंने आपको बता दिया हाँ जी ग्रोथ मॉडल दो तरीके के मॉडल्स हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ करके दिखा दू हाँ फिर पॉपुलेशन इंट्रेक्शन यहाँ से करा दूंगी ग्रोथ कर्व बेटा मैं लिख के कराती हूँ नहीं तो फिर तुम रोला डाल दो ये रोला पा गया क्लास में रोला मैम की क्लास में पढ़ता नहीं है क्योंकि हम ग्रोथ मॉडल्स लिख के करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन मैम की क्लास में क्या टिपिकल, क्या टिपिकल सब सेम तो दो तरीके के ग्रोथ मॉडल बताऊंगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा मैंने बताया लॉजिस्टिक ग्रोथ सेशन लाइक क्यों नहीं किया यार सेशन लाइक like कर दो फटाफट से टू मेजर टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं पहला ग्रोथ मॉडल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रही है बढ़ रही है मजे ही मजे बेटा फैल रहे हैं अपने लोग कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है एंड दूसरी लॉजिस्टिक लॉजिक के हिसाब से चलेंगे ऐसे अनलिमिटेड अंधा नहीं चलेंगे तरीके से चलेंगे चलिए पहला जो ग्रोथ मॉडल है मेरा कौन सा है मजे ही मजे वाला है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी है कोई लैग नहीं है यार कोई भी लैग नहीं है और लैग तो नहीं है ये मेरा पेंसिल बड़ा परेशान करती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये मैं लाइट को ना अगर मैं इधर ले आती हूँ तो बढ़िया रहेगा एक मिनट रुको ओहो ये मेरा माइक उल्टा घूम जाता हमारे साथ अब देखना कैसी है। कोई लैग नहीं है बेटा मैं यही हूं हाँ जी और आपका जो इफ्तार का टाइम होता है उससे पहले छुट्टी भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है क्या कह रहे हैं ओ यस चलिए रेडी स्टार्टिंग विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है जियोमेट्रिक ग्रोथ मेरे साथ साथ करिए आ जाइए मेरे बच्चों अब ठीक है अब ठीक है चलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक ग्रोथ फटाफट से आ जाओ मेरे साथ खत्म करो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक ऐसे भ्रम में रहना है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता ये ग्रोथ कहती है कि मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। क्या है अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि मैं बढ़ती जाऊंगी बढ़ती जाऊंगी मुझे कोई रोकने वाला भाई अगर किसी को कोई रोकने वाला नहीं है खाना पीना बहुत है तो वो तो रिप्रोड्यूस ही करता जाएगा सो so, आर इज बेसिकली इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज प्लीज इसको समझ लेना इक्वेशन याद करनी डायरेक्ट क्वेश्चन रेट कितना मतलब बच्चे पैदा कर सकते हो फिकंडिटी रेट रिप्रोडक्टिव फिटनेस यही हुआ ना अब अगर आदमी कहे कि मेरे को खाने पीने की कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज बहुत है तो मैं को जितने बच्चे बोलोगे उतने बच्चे पैदा कर लूंगा

बच्चे पैदा करने की क्षमता तक पहुंच जाएगा हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी आर वैल्यू को ही अचीव कर लू लेकिन नेचर अलाउ नहीं करती है यार चाहता तो हर आदमी है लेकिन नेचर कहती है मैं सबको नहीं पाल सकती हूँ मेरे पास हवा पानी रिसोर्सेस सॉइल प्लांट सब लिमिटेड है, है ना लेकिन बट नेचर डजेंट अलाउ बट नेचर जो है डजंट अलाउ क्यों? क्योंकि नेचर के अंदर क्लाइमेट में लिमिटेड बेटा मेरा क्लाइमेट जो है वो सबको अलाउ नहीं करता मेरे नेचर में कंपटीशन नाम की चिड़िया भी है है ना जो आपस में लड़ धड़ के एक को मार देगी मेरे नेचर में बेटा जी प्रेडेशन नाम का चिड़िया भी है ठीक है यस तो आर वैल्यू को अचीव करने से कौन रोकता है हिंदी में बताओ आर वैल्यू को अचीव करने से कौन रोकता है कौन क्लाइमेट रोक रहा है कॉम्पिटिशन रोक रहा है प्रोडेशन ये सारी चीजें एक आदमी को आर वैल्यू अचीव करने नहीं देती है एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे बेटा किसके मजे मजे होते हैं लिमिटेड समय के लिए एग्जाम्पल इज इंसेक्ट्स के मजे होते हैं इंसेक्ट इन रेनी सीजन अब तुम देख लो जब रेनी सीजन आता है तो बेटा इंसेक्ट की चांदी चांदी हर जगह पानी है पानी में लार्वे हैं लार्वे से वो बड़े होते जा रहे हैं ग्रो होते जा रहे हैं लेकिन क्या वो लंबे समय तक रहता है नहीं क्लाइमेट चेंज हो जाएगा फिर इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे है ना मच्छर खत्म हो जाएंगे और और बेटा एल्गल ब्लूम एल्गल ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर ज्यादा लंबे समय समय की खुशी नहीं है इनकी ठीक है यानी कि ये अपनी आर वैल्यू तक तो पहुंचेंगे बेटा शियल तक पहुंचेंगे लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड समझे यानी कि जब एक्सपोनशियल तो ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन लंबा नहीं चलेगी आप आर वैल्यू तो पहुंच जाओगे लेकिन कम समय के लिए ही पहुंच पाओगे उसके बाद फिर से आपको नीचे उतार दिया जाएगा अब ये जो एक्सपोनेशियल मॉडल है इसको दो इक्वेशन के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं लेटमी जस्ट छोटा इट एंड uh, देखते हैं ये छोटा हो नहीं हाँ जी ये सही है ओहो क्या बात है छोटा हो गया ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम डीपीपी है उसको ज्वाइन कर लेना उसी पर मिले की ठीक है चलो तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ग्रोथ uh, है उसकी दो इक्वेशन दो फॉर्म में अपन लोग एक, 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 जैसे बेटा आजकल लिखते हैं ना कुछ लोग इंस्टाग्राम लैंग्वेज पे एक्सो तुम्हारी भाषा में ही है लिखते हैं लड़कियां लिखती हैं आज हाथ, हाथ, तो तो कल बड़ा, बड़ा फनी लगता है जब भी ऐसे में टंग स्लिप करती कोई पूछ ले तो बताना कि क्या बोल रहे हो मैं तो एक्सो एक्सो बोल रहा था कुछ ऐसा होता है थिक्षो, थिक्षो। चलो तो दो तरीके से बेटा जी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल दूसरी होती है इंटीग्रल दूसरी होती है इंटीग्रल ठीक है डिफरेंशियल में अपने को क्या लिखना है दट इज डी एन बाई डी टी ये मैं आपको दिखाती हूँ डी माइनस टी इन टू एन इंटीग्रल इसका कैसे लिखेंगे एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी

डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ कितनी growth हुई? D, कितने लोग आई कैन राइट दैट बी माइनस टी इज इक्वल टू आर वॉट इज आर आर मैंने आपको पहले बता दिया दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इनक्रीज यही है आर यही है मेरा आर ये दिस इज बी माइनस टी तो मैं इक्वेशन बन जाएगी

डेंसिटी आर वही इंट्रेंस रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड ई क्या है बेस ऑफ नेचुरल ये आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है टी फॉर टाइम इसको ग्रोथ रेट भी कर सकते हो ठीक है यस yes, मेरे बच्चों हाँ जी यस yes. तो इसका ग्राफ देख लेते हैं कम ऑन मेरे बच्चों इसका ग्राफ देख लेते हैं रुकिए बना क्या मैं ग्राफ रुकिए लेट मी जस्ट द ग्राफ हाँ जी इसका जब अपने ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर बनाते हैं हाँ जी आ जाइए यहाँ पर टाइम टाइम के हिसाब से चलेंगे एंड ये हमारा पॉपुलेशन का साइज बताओ कैसी शेप का ग्राफ बनेगा तुम खुद बताओ पॉपुलेशन का साइज इनिशियली तो बेटा जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमें थोड़ा सा इंक्रीज करने का मौका मिला लैग फेज जस्ट द स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड एक साथ जब अपने को रिसोर्सेज मिले तो बहुत सारे मिले एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया लॉग फेज ठीक है सो दिस इज माई लैग फेज एंड दिस वन इज माने एक्सपोनेशियल फेज एक्सपोनेंशियल यहां पर ग्रोथ हुई तो कैसे शेप का ग्राफ दिख रहा है बताओ कैसी सी शेप दिख रही है जे शेप नहीं दिख रही तुम्हें ग्राफ so इज J -shaped graph. इस ग्राफ में तुम्हें कितने दिखाई दिए और तो कोई भी रहा क्या कोई stationary phase दिख रहा है नहीं दिख रहा ठीक है जी बस में में क्या होगा लास्ट में बेटा जे की बढ़ तो जाएंगे अल्टीमेटली क्रैश हो जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे क्रैश हो जाएंगे तो तो बेटा जो हमारे मच्छर होते हैं रेनी सीजन में वैसे बड़े बड़े बड़े, बड़े रेनी सीजन खत्म क्रैश तो लास्ट में दे विल फील अ क्रैश ठीक है यस yes. अब जो स्पीशी ध्यान देना जो स्पीशी इस टाइप का ग्राफ फॉलो करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं उन स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं आर आर स्पीशीज बोलते हैं आर आ रहा है ना बेटा इसमें इसीलिए तो मैं इसको भी यहां छोटा करके एक ही पेज पे समा देती हूं सबको तो द स्पीशीज विच शो विच शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं आर स्पीशीज ये जो आर स्पीशी होते हैं बड़े ही चालाक होते हैं अपॉर्चुनिटी का पूरा रोल यूज कर लेते हैं अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशी होते हैं क्या होते हैं अपॉर्चुनिटिक स्पीशी क्या ये स्पीशी कभी किसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट स्पीशी बन पाएंगे नहीं दे कैन नेवर बिकम डोमिनेंट स्पीशी नेवर डोमिनेंट स्पीशी ठीक है इनका समय बेटा लिमिटेड समय के लिए आता है लिमिटेड पीरियड के लिए इतना इनका समय उसके बाद तो इन्होंने सब खत्म हो जाना है इंसेक्ट रेनी सीजन में आए फिर गायब अब अगले साल आएगा रेनी सीजन ये डोमिनेंट स्पीशी नहीं हो सकते हैं ठीक है जी यस अब अगर तुम यहाँ पर एक वैल्यू की ध्यान दोगे लुक यूज हाँ जी ये आर वैल्यू दी हुई है किसकी दी हुई है नॉर्वे रैट की पॉइंट जीरो वन फाइव की बीटल इनसेक्ट। इनसेक्ट की लेकिन ये जो इंसेक्ट है इंसेक्ट है इसका थोड़ा ज्यादा है ये पॉइंट जीरो करके नहीं है ये पॉइंट वन टू है इंसेक्ट की आर वैल्यू ज्यादा होती है इंसेक्ट की मेरे बच्चों आर वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है क्लियर हो गया

कि भाई तुम्हारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे एम बी बी एस करने चले गए ऐसा रियल हो सकता है आदमी तो चाहता है रियल हो जाए है ना तुम तो चाहते हो जाए हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए हम सब एम बी बी एस कर ले हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है हम सबको डॉक्टर बना दो लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है तो लॉजिस्टिक कहता है लिमिटेड 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 रिसोर्सेज रिसोर्सेज सीट्स हैं हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आके रुक जाएगी यानी कि ये थोड़ी रियल बात कर रहे हैं ये रियलिस्टिक मॉडल है ये कैसा मॉडल है रियलिस्टिक मॉडल है यानी कि ये कह रहे हैं कि हर एनवायरमेंट की एक कैपेसिटी होती है जितने इसमें लोग सर्वाइव कर सकते हैं जैसे मान लो मेरी क्लास है ऑफलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास एक रूम में चल रही है

लिमिट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म कैन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट मेरी क्लास में चालीस सीटें हैं चालीस बच्चा बैठ सकता है एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट ठीक है ये हो गया मेरा के अगर मान लो अगर मान लो मेरी जो पॉपुलेशन है वो के से कम है तो ग्रोथ हो सकती है ध्यान <coughs> देना एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी जस्ट एग्जाम्पल मान लो मेरी क्लास में समझो मेरी क्लास में टोटल चालीस बेंच है चालीस बेंच है लेकिन अभी क्लास में थर्टी बच्चे ही आए हैं मतलब मेरी क्लास की ग्रोथ हो सकती है कि नहीं हो सकती यस और नो बताओ मेरी क्लास में फोर्टीन बेंच फोर्टी बेंचेस है मेरे पास लेकिन अब अगर अभी थर्टी बच्चे ही आए हैं तो क्या ग्रोथ पॉसिबल है क्लास की येस और नो बेटा चैट में मेरे से बात कर लो नहीं तो मैं सब कुछ बंद करा दूंगी इतने आराम आराम से तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर करा रही हूँ एक भी चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ आई एम मेकिंग श्योर कि हमारी बेस्ट क्लास हो बेस्ट रिजल्ट निकले बेस्ट रिजल्ट के लिए स्किपिंग नहीं चलती है मैं यहाँ आऊँ जल्दी के चक्कर में बोलूँ कि कॉलेज में दो घंटे कॉलेजी में तीन घंटे कौन देता है बेटा जितना घंटा लगता है ना उतना लगता है मेरे साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं देखेंगे सीप मैम ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आधी चीजें छोड़ के के चैप्टर टपा चले गए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वो पूरा नहीं कराएंगे बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने छूटती हुई देखी हैं बट आपकी इच्छा है कुछ लोगों को जल्दी करना है कुछ लोगों को अच्छा करना है एनी anyway, वे क्या ग्रोथ हो सकती है मेरे पास फोर्टी बेंचेस है क्लास में लेकिन अभी थर्टी सीट ही फिल हुए हैं तो ग्रोथ पॉसिबल है यस yes, पॉसिबल है ग्रोथ हो सकती है मान लो मेरे पास फोर्टी बेंचेस थे और चालीस बच्चे ही आ गए चालीस बच्चे बैठ गए

जो एक इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है सौ और पॉपुलेशन की डेंसिटी के तीन केस बन सकते हैं तीन केस बन सकते हैं ध्यान देना पहला N is less than K. N less than K का मतलब है अभी कैरिंग कैपेसिटी चालीस नहीं हुए हैं तीस ही हुए हैं मतलब यहाँ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ग्रोथ है अभी बाकी है हो सकती है ना अभी कैपेसिटी तक नहीं पहुंचो कैपेसिटी माने मैक्सिमम अभी पॉपुलेशन कैपेसिटी से कम है दूसरा केस हो सकता है जितनी कैपेसिटी थी उतनी पॉपुलेशन पहुंच गई यानी कि अब कोई ग्रोथ नहीं होगी जीरो ग्रोथ तीसरा जो कैपेसिटी है वो कम थी पॉपुलेशन बेटा जी ज्यादा है पॉपुलेशन ज्यादा है यानी कि अब नेगेटिव ग्रोथ होगी नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है अब होगा कॉम्पिटिशन और यहां से सवाल नीट में आ चुका है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट कि पॉपुलेशन की ग्रोथ तब नहीं होगी जब पॉपुलेशन की डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो चुकी है ठीक अच्छा अब बेटा ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे को ग्रो करने से रोक रही है ऐसी कौन सी चीज है मान लो इंसेक्ट चाहता है कि मेरे सौ बच्चे हो जाएं कौन सी चीज उसको रोकेगी बताओ इंसेक्ट चाहता है मेरे सौ बच्चे हो जाएं कौन सी चीज उसको रोकेगी तुम खुद बता दो कौन रोक रहा है उसको एनवायरमेंट वेरी गुड हो सकता है उसके लिए पानी ना हो इंसेक्ट के ग्रोथ के लिए पानी चाहिए पानी नहीं है एनवायरमेंट में तो यार रुक जाएगा ना यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें रोकती हैं कि भाई नहीं पहुंचने देंगे तुझे सौ बच्चे करने नहीं करने देंगे रिसोर्सेज लिमिटेड है रेजिस्टेंस है एनवायरमेंट में क्या है मेरे बच्चों एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस तो एक टॉपिक यहाँ पर आ जाता है ये सब मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज करूंगी दिख रहा है दिख रहा है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहती है जो कि एक organism को ऐसे factors जो आर वैल्यू अचीव करने से रोकते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू अचीव आर वैल्यू टू अचीव आर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचने देंगे दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के माइनस एन अपॉन के एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के लिए रोकेंगे एंड बायोटिक फैक्टर्स भी है ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि हवा पानी ही नहीं है रिसोर्सेज नहीं है लाइट नहीं है लाइट की कमी है पानी की कमी है टेम्परेचर अनुप्रिएट है तो उससे भी बेटा नहीं हम मैक्सिमम तक पहुंच पाएंगे कंपटीशन चल रहा है लड़ाई हो गई स्ट्रगल हो गया ठीक है प्रेडेशन है मारकाट चल रही है स्ट्रगल चल रहा है पैरासिटिज्म हो रहा है जिसकी वजह से भी बेटा जी अपन लोग नहीं मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच पाएंगे ठीक है जी यस yes, नहीं पहुंच पाए ना चलिए अब इसकी इक्वेशन देख लीजिए दो इक्वेशन बेटा जी मैं इसकी लिखवाऊंगी लिख दू यहा लिख देती हूँ मैं तो लेट मी राइट द इक्वेशन ओवर हेयर वैसे ही लिखेंगे दो इक्वेश फिर ग्राफ बनाएंगे दो इक्वेशन एंड एन ग्राफ एक पर इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा ताकि हम एक ही पे पूरा मॉडल कंप्लीट करने की कोशिश करें वाह क्या फीचर है वैसे है ना चलो तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन आ जाओ रेडी हो जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशियल डी एन बाई डी टी वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये याद होनी चाहिए बेटा मेरे बच्चों क्वेश्चन आया था डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर दैट इज बायोटिक पोटेंशियल एन पॉपुलेशन डेंसिटी के माइनस एन अपॉन के ये कौन है के माइनस एन के अपॉन के तो वही मेरी कैरिंग एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है है ना इसको और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एल सी एम ले लो डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन एल सी एम लेके जब मैंने किया दैट इज गोइंग टू बी वन माइनस एन अपॉन के

हवा में दैट इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इन टू टी बच्चों ठीक है ओके okay. अगर तुम यहां पर ध्यान दोगे इतनी इक्वेशन तो मेरी पुराने वाले से मैच कर रही है ये देखो पुराने वाले की भी यही थी ना डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन यही था ना एक्सपोनेंशियल का यानी कि इतना इक्वेशन तो मेरा एक्सपोनेंशियल का है आर एन यहाँ तक बस हम इसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है दिस मच इज माई एक्सपोनशियल इक्वेशन और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एनवायरमेंटल हाँ जी यस yes? चलिए बहुत बढ़िया इसका ग्राफ बना लेते हैं ग्राफ के लिए आ जाओ मेरे बच्चों रेडी सो so, ये मेरा एक्स एक्सेस ये मेरा वाई एक्सेस एक जगह पे लेंगे पॉपुलेशन दूसरी जगह पे लेंगे टाइम दिस इज टाइम

एंड अपने लोग स्टेशनरी हो जाएंगे ए स्टेशनरी फेज यानी कि यहाँ पर मेरे पास दो नहीं टोटल चार फेजेस हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द लैग फेज दिस वन इज कॉल्ड एज द लॉग और द एक्सेलरेशन फेज एक्सेलरेशन फेज इसी को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलोगे एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलोगे ये बेटा जी तीसरा ऊपर देख रहे हो दिस वन दिस स्मॉल इज कॉल्ड एज डी फेज थोड़ा सा नीचे गिरे हम डीएक्लेशन और डिक्लाइनिंग फेज यस और उसके बाद अपने स्टेशनरी हो गए का अब मतलब पॉपुलेशन और ग्रो नहीं कर सकती चालीस बच्चे थे चालीस बैठ चुके हैं एन इज इक्वल टू के हो चुका है मैक्सिमम पहुंच चुके हैं अपने लोग इस शेप को क्या बोलते हैं ए बी सी डी कौन सी शेप है ये अगर मेरी ये वाली जे शेप थी तो ये कौन सी शेप है दिस शेप इज गोइंग टू बी सिग्मोइड कर्व दिस वन इज गोइंग टू बी सिग्मोइड कर्व ठीक है सिग्मोइड कर्व हाँ जी एक इस पे सवाल आता है इसको और क्या बोला जाता है वॉल पॉल ह्यूस्ट इक्वेशन ये यहां पर लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ कहाँ लिख दिया इसमें से देख लो यस मेरे बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है जे शेप कर्ल कर्व कर के बारे में बात हो गई है इसके बाद बेटा जी हम लॉजिस्टिक के बारे में बात करते हैं ठीक है ये रहा वॉल्स पॉल लॉजिस्टिक ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट इस लाइन पे भी क्वेश्चन आ चुका है पॉल लॉजिस्टिक ग्रोथ यही इक्वेशन है है पॉल लॉजिस्टिक ग्रोथ ठीक जी चलिए अब हमारा ये सवाल आ, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है अब अपने चलते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन और आखिरी टॉपिक पॉपुलेशन इंटरक्शन की तरफ आ जाओ तो व्हाट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ये कहता है ध्यान से बस चार लाइनें एनसीईआरटी की ये कहती है कि पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमम ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और हाई आर वैल्यू अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ये कहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना है तो भाई ऐसी स्ट्रेटजी के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट वो सच में वहां पर पहुंच पाए क्या स्ट्रेटजी लगाएगा कि अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल आर तक पहुंच पाए पहला नंबर पहला क्यों हमारा हर ऑर्गेनि नहीं पहुंच पा रहा देखिए बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश है बैंबू है और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बारी साल में ब्रीडिंग करते हैं जैसे ह्यूमन है बेटा मल्टीपल टाइम कर सकता है अपनी लाइफ में जैसे बर्ड्स है बहुत सारे बच्चे होते हैं मल्टीपल टाइम पे कर सकते हैं तो ये चीज डिटरमिन करती है कि आप अपने मैक्सिमम तक कितनी जल्दी और कैसे स्ट्रेटजी लगा के पहुंच पाओगे ठीक दूसरा आता है लेकिन छोटे छोटे होते हैं प्लाजिक फिशेस। और कुछ क्या होते हैं जिनके बच्चे कम होते हैं लेकिन बड़े होते हैं जैसे हमारे बर्ड्स एंड मामल्स ठीक है बर्ड्स एंड मैम अब ये जो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिनके बच्चे बहुत लार्ज साइज है ठीक है लेकिन लार्ज नंबर में है लेकिन बेटा जी साइज कम है इस टाइप के सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं आर सिलेक्शन

चलो आखिरी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट वन फोर मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस जो अभी तक टिक गए हैं उनके एक चार नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे फोर मार्क्स का क्वेश्चन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में से आना ही आना है तो मुझे नहीं पता तुम में कितनी हिम्मत है अगले तीन टॉपिक करने की यस पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कि दो डिफरेंट टाइप के स्पीशी आपस में मिलजुल कर समझौता करके रहते हैं या मार काट करके एक मर जाता है एक जी जाता है या फिर पैरासाइट होस्ट की तरह रहते हैं या एक दूसरे को खा जाता है या फिर आप सर में दोस्ती करके एक दूसरे की मदद करते हैं दैट इज पॉपुलेशन तो जो ऑर्गेनिज्म है दे इन वेरियस टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं देखो पहला सवाल यहाँ से आ सकता है चार नंबर का आ भी चुका है हर साल ऑलमोस्ट ये स्टेबल में से सवाल आता है देखिए पहला आता है अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है दोनों को नुकसान हो रहा है कॉम्पिटिशन नाइन माइनस माइनस कॉम्पिटिशन में किसी का फायदा नहीं है यार दोनों को नुकसान हो जाता है प्रदेशन एक दूसरे को खा रहा है शेर जो है वो फॉक्स को खा गया ठीक है पैरासिटिज्म होस्ट जो है वो पैरासाइट जो है वो होस्ट के बॉडी के अंदर है तो पैरासाइट की तो बल्ले बल्ले होस्ट की थले थल होस्ट बेटा बेचारा अपना न्यूट्रिशन दे रहा है उसको कमेंसिलिज्म एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान एग्जाम्पल्स के तौर पर बेटा करते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि मतलब क्या म्यूचुअलिज्म इस सब का। हां जी सबसे पहले करते हैं अपन लोग शुरुआत किसकी प्रिडेशन की यस yes, मेरे बच्चों प्रडेशन के लिए रेडी है प्रिडेशन होता है एक दूसरे को खा रहा है प्रिडेटर का फायदा टाइगर लायन स्पैरो एनिमल्स ये खा रहे हैं टाइगर डियर को खा रहा है स्पैरो बेटा जी बीज खा रही है हम लोग हम लोग प्लांट्स को खा रहे हैं हम भी एक तरीके की प्रीडेटर ही हैं तो ऑल कार्निवोरस कार्निवोरस तो खाते ही हैं हर्बीवोर आर प्रीडेटर्स हम भी तो प्लांट को खा रहे हैं वी आर आल्सो प्रीडेटर ठीक है जी अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इंसेक्ट दे आर फाइटोफेगस प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फाइटोफेगस मतलब प्लांट्स को खाते हैं राइट right, मेरे बच्चों

लेकर आए थे 1920 में उसने बेटा जी तहलका मचा दिया था एग्जाम्पल याद करनी है प्रिकली पियर कैक्टस जब ऑस्ट्रेलिया में आया तहलका मच गया फाइनली कैक्टस कैक्टस ब्रॉट अंडर कंट्रोल फीडिंग मॉथ द कंट्री यानी कि ये कह रहे हैं प्रिडेटर का फायदा क्या है अगर कोई बाहर से कोई भी स्पीशी आता है तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत फैलता है क्योंकि उसका प्रिडेटर नहीं होता ऐसा हमने देखा प्रिकली पियर के साथ कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटीज में एंड बहुत फैला लेकिन फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हम इंसेक्ट लेकर आए मौत लेकर आए तब जाकर वो कंट्रोल में आया दूसरा क्या फायदा है दूसरा फायदा बेटा जी ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल बेस्ड ऑन एबिलिटी टू रेगुलेट पॉपुलेशन क्या मतलब है इसका मान लो मुझे इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है मच्छर है इंसेक्ट है या फिर मैं बोलो मॉस्किटो है मॉस्कीटो की पॉपुलेशन को बेटा जी कंट्रोल करना है कैसे करूंगी बायोलॉजिकल मेथड लेकर आएंगे गैम्बूसिया गैम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर देंगे और मच्छर के लार्वे खा जाएगी है ना जी मच्छर के लार्वे खा जाएगी दिस इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड और जो पिछला वाला था वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि ऑस्ट्रेलियन प्रिक्लीपियर को कंट्रोल करने के लिए हम किसको लेकर आए कैक्टस फीडिंग मॉथ को लेकर आए ठीक है तीसरा फायदा प्रिडेटर का क्या है

तो मोर देन टेन स्पीशी ऑफ इन वर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट कितनी बढ़िया बात बेटा जी बोल रहे हैं कि अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो प्रे आपस में लड़ मर के एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ऐसा इन्होंने देखा कि भाई कहां पर गए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में कहां गए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में गए वहां का जो प्रिडेटर थी वो कौन थी प्रिडेटर जो थी वो कौन थी पिजास्टर पिजास्टर फिश वो नेचुरल प्रिडेटर है वहां की

मल्टीपल लोगों को खाता है वो कैटल्स को भी खा सकता है एंड फॉक्स को भी खा सकता है लेकिन उसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर टाइगर हटा दोगे तो आपस में वो लोग कंपीट करके खत्म हो जाएंगे यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया तीनों बातें क्लियर है तीनों बातें क्लियर है तो पहली बात प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है एक प्रिडेटर दूसरी बात बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को ना तीसरी बात अगर आपने प्रिडेटर को रिमूव किया तो प्रे भी खत्म हो जाएगा राइट right? चलिए अब एक प्रे अपने आप को बचाता कैसे है बताओ एक प्रे को अपने आप को बचाना है तो कैसे बचाएगा कैसे बचाएगा उसको अपने आप को बचाना है भाई मेरे को बड़ा डर लग रहा है टाइगर से मैं छुप जाऊं कपड़े पहन लू कुछ ऊपर मुखौटा पहन लू भेस बदल लू अपना कैसे देखिए पहला जो तरीका है जो कि ग्रास ऑपर्स करते हैं दैट इज केमोफ्लाज मोफ्लाज क्या होता है अपनी कलर को बैकग्राउंड से मैच कर लेना ठीक है अपने कलर को बैकग्राउंड से मैच कर लेना लिख हाउ डू प्रोटेक्ट तो pray, रे, रुको, जो है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है फ्रॉम प्रेडिटर पहला एनवायरमेंट से अपनी शक्ल मैच कर लेगा हाँ जी पहला दैट इज केमोफ्लाज केमोफ्लाज दैट इज प्रेइंग पैंटिस ग्रास ऑपर करता है अपना ग्रास ऑपर का कलर ही ग्रीन होता है ग्रास के ऊपर घूमता है पहचान में नहीं आता दूसरा मिमिक्री नकल करना किसी और की नकल करना जैसे कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई है इसके पास होते हैं टॉक्सिक केमिकल इसके पास होते हैं टॉक्सिक केमिकल तो प्रेडेटर कभी इसके नजदीक नहीं आता ये तो ठीक है प्रेडेटर कभी नजदीक नहीं आता लेकिन मेरी जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है वाइस रॉय बटरफ्लाई है इसके पास तो कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं ये बेचारी कमजोर है ठीक है ये कमजोर है इसके पास डेटर आ जाता है तो ये किसकी नकल करती है इसकी मिमिक्री करती है मोनार्क की मिमिक्री करके बच जाती है तो मिमिक्री करता कौन है वाइस रॉय किसकी करता है क्वेश्चन आएगा मिमिक्री कौन करता है वाइस रॉय या फिर मोनार्क तुम बोलोगे वाइस रॉय करती है करती किसकी है मोनार्क की करती है यस मोनार्क की करती है क्लियर हो गया यस पता नहीं क्या इनके आपस में बतियाए चल रही है अपनी पंचायत लगा के बैठे हो बेटा रिवाशु गुप्ता लगाओ लगाओ कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे बहुत हैं तुम ऐसे समझा करो बेटा 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ना 24 लाख तुम्हारे प्रेडेटर हैं एक लाख प्रेडेटर है एक लाख को बोलोगे बाकी सब प्रे हैं वो खा जाएंगे तुमको एक लाख तुम यहाँ बस पंचायत लगाते रहना अपनी ठीक है जी आपस में ही लगे हुए हैं बेटा आपके अपने ना पढ़ाइया कर रहे हैं सुन रहे हैं क्वेश्चन निकाल रहे हैं साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अगर मैं आज आपकी जगह होती और मेरे का मेरा नीट एग्जाम होता अगले पचास दिन में तो बेटा मैं साथ साथ ये तो कर ही रही होती लेकिन मैं साथ इसके क्वेश्चन भी निकाल लेती साथ में मैं इसके एनसीईआरटी भी रीड कर रही होती यानी कि ये तीन घंटे मैं अपने चैप्टर को डन कर देती लेकिन आपको क्या है आपका क्या है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगला बेटा जी एनिमल्स में होता है बचने का तरीका केमिकल डिफेंस केमिकल डिफेंस में क्या है मोनार्क बटरफ्लाई मोनार्क एग्जाम्पल मोनार्क बटरफ्लाई के पास टॉक्सिक केमिकल है उसके नजदीक पिलेटर भटक भटकता ही नहीं है ठीक है जी यस टॉक्सिक केमिकल है इसके पास कैटरपिलर स्टेज में टॉक्सिक केमिकल आ जाता है जिसकी वजह से बच जाती है बच जाती है और प्लांट्स में क्या है प्लांट्स में भी बेटा जी केमिकल डिफेंस होता है जैसे कि जैसे कि कैलोट्रोपिस प्लांट जो है कैलोट्रॉपिस प्लांट जो है ये केमिकल बनाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है कार्डियक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ठीक है जी जी तो इसका इसको टच नहीं करता ठीक है है याद रखना किसका प्रिडेटर क्यों उसको टच नहीं कर रहा क्योंकि मनाक बटरफ्लाई टॉक्सिक केमिकल बनाती है कैलोट्रोपिस प्लांट बेटा जी कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है और भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं प्लांट से जैसे कि निकोटीन बच जाते हैं प्लांट इसकी वजह से कैफीन अपन लोग तो खा लेते हैं इसको निकोटीन ओपियम क्विनिन ये सब प्लांट को बेटा जी बचा के रखते हैं ठीक है जी और अगर बात करें कैक्टस की कैक्टस कैसे बचाता है कैसे बचाता है स्पाइन स्पाइन से से कैसे ओके okay जी चलिए तो अगर बेटा जी स्पाइन से बचा रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकल हो रहा है केमिकल बना के बच रहे हैं तो केमिकल डिफेंस हो रहा है सो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस दिस इज केमिकल डिफेंस दूसरी चीज कितने परसेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर प्रेडेटर्स ऑफ प्लांट यानी कि हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस डायरेक्ट क्वेश्चन फाइटोफेगस इंसेक्ट्स की परसेंटेज बताइए फाइटोफेगस इंसेक्ट की बताओ फटाफट से फाइटोफेगस इंसेक्ट की परसेंटेज अभी लिखवाई थी वेरी गुड मेरे बच्चों 25% कितना है 25% और प्रेडेंट बेटा जी द निर्दयी नहीं है राक्षस नहीं है प्रेडेटर प्रेडेटर बहुत प्रूडेंट है Curing है समझदार है वाइज है उनको पता है कि अगर आज मैंने गड़बड़ की तो भाई कल को मैं ही एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा बेटा जी अगर गड़बड़ करेंगे ना सारे प्रे खा जाएंगे लालच करेंगे लालच बुरी बुलाएं इनसे सीखो तुम ठीक है जी जब कोई इनको रोकने वाला कोई नहीं है बट फिर भी लालच नहीं करते हैं ठीक है लालच नहीं करते हैं क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने लालच किया तो खुद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट इज में बेटा जी किसी का फायदा नहीं होता दोनों का क्या होता है नुकसान होता है माइनस माइनस ठीक है जी दो तरीके का कॉम्पिटिशन होगा वन इज इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीशी के बीच में हो रहा है इंट्रा स्पेसिफिक ठीक है इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीशी के बीच में हो रहा है सेम स्पीशी जैसे ह्यूमन ह्यूमन के बीच में हो जाए दैट इज स्पेसिफिक दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक क्या होगा डिफरेंट स्पीशी के बीच में होगा यस बिटवीन डिफरेंट स्पीशी ओके जी ज्यादा लड़ाई कौन सी होगी बताओ कौन सा ज्यादा है देखो क्या घर घर की लड़ाई ज्यादा तेज होती है या फिर घर वाले जब बाहर से लड़ने जाते हैं बाहर किसी और से लड़ते हैं तो ज्यादा तेज होती है देखिए ज्यादा जो तेज लड़ाई होती है जो सीवियर लड़ाई होती है वो घर घर के बीच में ही होती है सो मोर मोरसिवियर इज मोर सिवियर इज इंटरा स्पेसिफिक ये वाली ज्यादा सिवियर है ओके जी चलिए अब कॉम्पिटिशन बेटा जी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म्स में आज एससी नहीं है यार कब से बोल रहे एससी एससी? कल होगी कल होगी आज ये चैप्टर वन शॉट में कर रहे हैं सेशन को तुम अटेंडेंस नहीं दे रहे हो अटेंडेंस दे दो फटाफट से yes. घर का भेदी लंकट आए घर की लड़ाई ज्यादा खतरनाक बाहर वालों से तो बेटा फिर भी थोड़ा सा निपट लेंगे घर वालों के तो बाल नोचने पे आ जाएंगे है ना तो इंटरेस्ट स्पेसिफिक ज्यादा होता है देखिए दो तरीके का कॉम्पिटिशन हो सकता है पहला कॉम्पिटिशन ऐसा है एक बड़ा आदमी था एक बेचारा छोटू छोट बड़े वाले ने इसके साथ लड़ाई की छोटे वाला गायब बड़ा वाला आप यानी कि कई बार ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें जो सुपीरियर होता है वो सरवाइव करता है और जो इनफीरियर बेचारा मारा जाता है यानी कि इनफीरियर को एक्सक्लूड कर लिया एक्सक्लूड करने को क्या बोलते हैं एक्सक्लूजन खत्म कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दूसरा क्या हो सकता है कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं ये कहते हैं यार देख अगर आप लड़ेंगे तो एक का तो नुकसान होगा कह रे हाथ मिला लेते समझौता कर लेते हैं थोड़ा तू खा ले थोड़ा मैं खा लूंगा थोड़ा फायदा तेरा थोड़ा फायदा मेरा

खतरनाक बच्चे ऐसे होते हैं जो तो अपने शीट को बिल्कुल ऐसे मान लो मेरी शीट है देख ना जाए किसी और देख तो नहीं रहा तो किटिंग नहीं करने दूंगा तुझे मैं जीतूंगा तू तो हारेगा मतलब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पीछे वाला तो एक्सक्लूड हो फेल हो जाएगा और बेटा ये वाला जीत जाएगा तो दो तरीके का कॉम्पिटिशन हो सकता है यहाँ पर टू फॉर्म्स हो सकती हैं तो देयर कैन बी इसको छोटा करके इधर कर देती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों मज़ा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के सब तुम्हारे से रिलेटेड है इसी बात पे सेशन को लाइक हो जाए है ना कंपटीशन की टू फॉर्म्स बस ये दो तीन ज़्यादा हैं बाकी तो ऐम ही है टू फॉर्म्स हो सकती हैं पहली फॉर्म है गंदे बच्चे वाला जो बड़ा वैसा बच्चा होता है ना जो फर्स्ट सीट पे बैठता है हर क्लास में फर्स्ट आता है वो एक्सक्लूजन पे बिलीव करता है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन ठीक है ये किसने दिया था का ने दिया था ये ये कहता है, ये कहता है, है कि अगर किसी में दो स्पीशी आपस में लड़ रहे हैं तो सुपीरियर वाला जीत जाएगा इनफीरियर वाला खत्म हो जाएगा ठीक है जी सुपीरियर yes? so जो भी सुपीरियर होगा सुपीरियर वाला बेटा जी सरवाइव करेगा एंड इंफीरियर वाला एक्सक्लूड हो जाएगा क्या इसकी कोई एग्जाम्पल है इंफीरियर वाला बेटा जी एक्सक्लूड हो जाएगा क्या इसकी कोई एग्जाम्पल है हाँ इसकी एग्जाम्पल है जैसा कि गैलापागोज आइलैंड में कहा चलें अपने लोग चलो मैं तुम्हें शेयर कराने लेके चलती हूँ गैलापागोज आइलैंड की गैलापागोज आइलैंड में अगर अपने चलें तो यहाँ वहां पर होता है एबिंगटन टोटोइ और गोट दो के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है एक मेरी गोट के बीच में एक एबिंगटन टोटोइस अब तुम्हें पता ही है टोटोइस कितने लेजी टाइप होते हैं तो मेरी सुपीरियर कौन सी है सुपीरियर बेटा अपनी गोट है और ये कौन से हैं इनफीरियर भाई बेटर ग्रेजिंग कौन करेगा बताओ बेटर ग्रेजिंग तो यही करेगी ना वो तो अपना ढिल्लू मामला है तुमने अगर सामने से टोटोइस को देखा ना धीरे 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 गोट तो इतने में सब चर जाएगी है वो हर भी बोरस दोनों बट बेटर ग्रेजिंग कर जाएगी ठीक है तो कौन जीत गई गोट जीत गई कॉम्पेटेटिव एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन किसका हो गया एबिंगटन का ठीक है जी अब बेटा जी मेरे पास है हैं ऑर्थ्रोपोड जो कि मरीन एनवायरमेंट में पाए जाते हैं सुपीरियर बार्नेकल्स जैसे कि जैसे कि बैलनस बैलनस जो है वो सुपीरियर बार्नेकल है एंड मेरा कैथालमस कैथालमस जो है वो इनफीरियर है इनफीरियर है तो भाई दिस वन विल गेट एलिमिनेटेड ये क्या हो जाएगा अपना एलिमिनेट हो जाएगा ये सही कह रहे हो भाई वो गोट है गोट फॉर जी ओ एटी गॉड ऑफ ऑल टाइम्स यही होता ना हाँ जो भी है गॉड ऑफ ऑल टाइम्स गोट है वो गोट गोट नहीं जीतने देगी चलिए दो स्पीशी है देखो है क्या यहाँ पर अगर गोट अकेली होती टोटोइ अकेला होता दोनों तो जीत दोनों सरवाइव कर जाते दोनों लेकिन जब ये साथ में आए ना तो गड़बड़ हो गई साथ में तो हो गई। तीसरी मेरे पास आती है, औरेलिया, लिख रही हूँ पैरामीशियम के स्पीशी है ऑरिल एंड पैरामीशियम कॉडेटम कोडेटम जो मेरा कॉडेटम है ना ये इनफीरियर है इंफीरियर है एंड ये ऑरिल सुपीरियर है तो अगर दोनों साथ में होंगे ना

अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त नहीं है तुम्हारे कोई सच्चे दोस्त नहीं है फिर है तुम्हारे दोस्त फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मैं तेरे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल दिखा दूंगा तो मुझे केमिस्ट्री वाले दिखा देना नहीं तो बेटा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है अगर ऐसे दोस्त नहीं है रिसोर्स यानी कि कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस होता है कि मिल बांट के करते हैं यार समझौता कर लेते हैं मिल बांट के करते हैं दैट इज रिसोर्स हमेशा जरूरी नहीं है एक को मरना है दोनों भी पास हो सकते हैं दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया तो पास हो जाएंगे ठीक है कैसे रिसोर्स को पार्टीशन करेंगे पैटर्न अलग, कर अलग, कर अलग कर लेते हैं टाइम अलग कर लेते हैं टाइम डिफरेंट चूज कर लेते हैं कि यार मैं दिन में खा लूंगा तो रात में खा लेना या फिर मैं नीचे का माला खाता हूँ तो ऊपर का माला खा फोरेजिंग पैटर्न अलग अलग कर लेते हैं ठीक है ऐसा कब देखा गया ऐसा देखा गया एग्जाम्पल इज अगेन हम चलते हैं डार्विन के पास डार्विन ने देखा था बेटा जी वॉबलर की वॉबलर बर्ड्स होते हैं पांच स्पीशीज एक साथ रह रही थी एक ही पेड़ पे <coughs> वॉबलर की फाइव स्पीशी बेटा जी एक साथ रह रही थी एक ही पेड़ पे कैसे रह रही थी उन्होंने अपना बांट लिया था कि मैं पेड़ के ऊपरले हिस्से पे खा लूंगा तो बीच के हिस्से में खा लियो मैं लोअर सबसे नीचे खा लूंगा डार्विन की फिंचेज

बताओ सबूत दो की कॉम्पिटिशन हुआ एविडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन है क्या कोई जज साहब गवाह मांग रहे हैं ये अदालत सबूतों पर चलती है बयानों पर चलती है इमोशंस पर नहीं चलती बया सबूत दो की कॉम्पिटिशन हुआ सबूत आता है बेटा कॉम्पिटिशन रिलीज से कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि तुम सुपीरियर को रिमूव करके देख लो रिमूव सुपीरियर सुपीरियर वाले को रिमूव करो और चेक करो कि इंफीरियर वाला जिंदा रहता है कि नहीं एंड चेक इनफीरियर अगर इंफीरियर वाला जिंदा रह गया तो मतलब कॉम्पिटिशन था तभी वो मरा है अगर इंफीरियर वाला जिंदा नहीं रहा तो मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं था वो किसी और वजह से मरा होगा तो यहां पर एक्सपेरिमेंट किया था एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट

तो यहाँ से प्रूव हो गया कि भाई इन्फीरियर ना कॉम्पिटिशन की वजह से मारा गया था नहीं तो वो जिंदा रह लेता वो तो तुम भी बोल दो कि मैम सिलेक्शन तो मेरा भी हो जाता लेकिन वो क्या था वो जो सुपीरियर वाला है ना उसके नंबर थोड़े ज्यादा आ गए अगर मान लो वो पेपर देने नहीं आता अगर मान लो जो टॉपर है वो पेपर ही देने ना आए तो नीचे वालों के बल्ले बल्ले नीचे वाले जीत जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ से प्रूव होगा कि मेरा सिलेक्शन पता क्यों नहीं हुआ क्योंकि सुपीरियर वाला पेपर देने आ गया था आप सुपीरियर वाले को रोक दो पेपर मत देने दो उसको देखो मैं सिलेक्ट होकर दिखाता हूँ तो हो सुपीरियर अगर भी हो तो सुपीरियर पेपर ही ना देने आए ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए है ना यही चाहते हो ना कि ग्रीन वाली जो हंसी हंसते हो ना मच <laughs> अच्छा अगला सवाल आता है बेटा अगला सवाल आता है कि क्या कंपटीशन सिर्फ रिलेटेड स्पीशी में होता है या अनरिलेटेड स्पीशी में भी कंपटीशन हो सकता है बताओ क्या कंपटीशन सिर्फ रिलेटेड स्पीशी में होता है या अनरिलेटेड स्पीशी में भी कंपटीशन की कोई एग्जाम्पल है एनसीईआरटी देती है तो है देखिए जो कंपटीशन है कंपटीशन है वो अनरिलेटेड अच्छा सबको पता चल चुका है ना बेटा अभ्यास मॉक टेस्ट पे आज रात तक सिर्फ 40% ऑफ है इसके बाद नहीं होगा अनरिलेटेड स्पीशी के बीच में भी हो सकता है ऐसा कहाँ देखा गया साउथ अमेरिकन लेक में ये सबको ले लेना चाहिए बेटा ठीक है साउथ अमेरिकन लेक में यहां पर जो कॉम्पिटिशन है देखो यहां पर पता है किसके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है कॉम्पिटिशन चल रहा है फ्लेमिंगो चिड़िया होती है फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो और फिशेस जस्ट इमेजिन फ्लेमिंगो चिड़िया फिश अपनी बेचारी पानी में रह रही है ठीक है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कंपीट कर रहे हैं जू, के लिए। है, मैं जू खाऊंगी फिश कहती है मैं खाऊंगी। तो ये हुए ना कोई लेना देना ही नहीं है एक पंची फिश से लड़ाई कर रहा है कि मैं खाऊंगा तू, या तू खाएगा। तो ये अनरिलेटेड स्पीशी का एग्जाम्पल हो गया दूसरा अबिंगटन गोट और टोयटन तो, टोटोइ और गोट ये भी तो अनरिलेटेड स्पीशी कहा गोट है ना दोनों लड़ रहे हैं लड़ किसके लिए रहे हैं कि ग्रेजिंग कौन बढ़िया करेगा तो वही एग्जाम्पल बेटा जी यहाँ पर आ जाएगी अनरिलेटेड स्पीशी वाली कॉम्पिटिशन में दूसरी चीज आती है को एग्जिस्टेंस भी हो सकती है और एक्सक्लूजन भी हो सकता है दोनों आइटमे हो सकती है ठीक है जी यस yes. जरूरी नहीं है कॉम्पिटिशन तब हो जब रिसोर्सेज आर लिमिटेड बेटा ये तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ठीक है अनलिमिटेड हो जो बलवान वाला ऑर्गेनिज्म है ना वो छोटे वाले को खा जाएगा ठीक है बलवान वाला छोटे वाले को रोटी खाने ही नहीं देगा तो इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट वेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड ठीक है ये बात है दिस में बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज यस मेरे बच्चों रिसोर्स पार्टिशनिंग बता दी ये भी बता दिया ओके okay, ओके okay, सब बता दिया। यस yes, सब बता दिया। हाँ जी तो कंपटीशन यहां पर डन हो गया प्रिडेशन हमने पहले ही कर लिया था इस प्रशन बाद में कर रहे हैं हम पहले कमेंसिलिज्म कर लेते हैं छोटा सा ही है करके खत्म करते हैं आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से कंप्लीट करें नाउ नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स यस कम ऑन कमेंसलिज्मलिज्म में क्या हो रहा है एक का फायदा हो रहा है दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है न्यूट्रल चल रहा है जिसको फायदा हो रहा है उसको बोलते हैं कमेंसल क्या बोलते हैं उसको कमेंसल एग्जाम्पल्स फटाफट से पहला एग्जाम्पल आ रहा है ऑर्किड ऑर्किड बेटा जी होते हैं जो कि दूसरे पेड़ पर स्पेस के लिए रहते हैं दे आर स्पेस स्पेस बेसिकली पैरासाइट बोलते हैं इनको ये हमने मॉर्फोलॉजी में भी किया था और दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं तो इसको बोलेंगे एपिफाइट किसके ऊपर रहते हैं मैंगो के ऊपर हाँ जी फटाफट से लिस्ट बना लो मैंगो के ऊपर दूसरे नंबर पर मेरे पास आ जाएगा कमेंसलिज्म में बार्मिकल्स हो जाता है ठीक है वेल को क्योंकि जनरली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा नजदीक नहीं आएगा वेल के कोई देन बेटा जी क्लाउन फिश क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलती है जब वो जब वो सी एनिमोन के बीच में घुसी रहती है क्योंकि सी एनिमोन के पास क्या है टेंटिकल तो सी एनिमोन कहता है यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मुझे परेशान नहीं कर रहा तू मेरे अंदर रह ले कोई दिक्कत नहीं है तो सी के tentacles जो है ना वो क्लाउन फिश को बचा कर रखते हैं बचा कर रखते हैं सी एनिमोन को ना फायदा है ना नुकसान है वो तो एक तरीके से दया कर रहा है कि मैं तो दया करने आया हूं मैंगो भी दया कर रहा है ठीक है रह ले मेरे को नुकसान मत बचाइयो वेल कह रहा है ठीक है रह ले मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए तुझे जो करना है कर मेरे को फर्क नहीं है है ठीक जी जी और पे आएगा कौन होते हैं? होते हैं 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 बेटा जो ना के आसपास घूमते रहते कि जब काउ खाना खाएगी कांग करेगी तो नीचे से इंसेक्ट निकल के आएंगे तो इंसेक्ट कौन खा लेगा कैटेलिग्रेट खा लेगा को ना फायदा ना नुकसान है उसके आसपास घूमते रहेंगे ठीक है तो अगला बेटा जी करते हैं अमेंसलिज्म 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 में क्या हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है न, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान ठीक है जी जिसको बेटा जी नुकसान हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अमेंसल दो तरीके के अमेंसलिज्म होती है एलेलोपैथी एंड एंटीबायोसिस एलेलोपैथी एंड एंटीबायोसिस ठीक है जी यस एलेलोपैथी का एग्जांपल क्या है जैसे ब्लैक वॉलनट्स ये बेटा जी केमिकल बनाते हैं उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दे फॉर्म अ केमिकल जिससे खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि जीरो वाली कैटेगरी में आते हैं फर्क किसको पड़ता है फर्क पड़ता है एप्पल जैसे प्लांट्स को देखिए अगर एप्पल का प्लांट वॉलट के नजदीक हुआ तो उसको फर्क पड़ जाएगा इसके केमिकल से सो दिस इज एलिलोपैथी एंटीबायोसिस में क्या हो रहा है पेनिसिलिन पेनिसिलियम ये एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक है किसने बनाया पेनिसिलियम ने क्या बनाया पेनिसिलिन बनाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन बाकी के बैक्टीरिया को फर्क पड़ गया है ना जिस फंगस ने पेनिसिलिन बनाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन बाकी के बैक्टीरिया को फर्क पड़ गया जैसे एक को फायदा एक को नुकसान दूसरे को ना फायदा ना ही नुकसान यस yes, मेरे बच्चों चलिए अब हम करते हैं पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट जाके रह रहा है ठीक है सो so, पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक बेटा तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं जो खुद को भी एवोल्यूशन अगर होस्ट इवॉल्व करता है तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा अपना मैकेनिज्म नहीं तो रह नहीं पाएगा ना होस्ट की बॉडी के अंदर रहना है तो होस्ट बदल रहा तो मुझे बदलना पड़ेगा अडाप्टेशन ऑफ पैरासाइट क्या क्या बेटा जब पैरासाइट होस्ट के अंदर आता है तो क्या कैसे कैसे अडेप्ट करता है पहला इट लूज देंस ऑफ सेंस ऑर्गन उसको जरूरत नहीं है क्योंकि होस्ट काम कर लेगा इस पे एडेसिव ऑर्गन होंगे चिपकने के लिए बेटा होंगे हुक्स होंगे जुड़ने के लिए होस्ट की बॉडी के साथ उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो बने बनाए न्यूट्रिय को एब्सॉर्ब करता है और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी ज्यादा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पैरासाइट जब होस्ट के अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं

कैसे परेशान करते हैं नंबर वन होस्ट के अंदर रहेंगे तो होस्ट हो सकता है बीमार हो जाए बीमार हो जाए तो मर जाए सर्वाइवल दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट होस्ट पे करते हैं मल्टीप्लाई देखो कोई बीमार हो जाएगा अगर पैरासाइट की वजह से क्या वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखेगा नहीं उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा दे मे मेक होस्ट फिजिकली वेरी वीक फिजिकली होस्ट मेरा वीक हो जाएगा एंड मोल मलर टू प्रोडेशन ठीक है फिजिकली वीक हो गया बेचारे की ग्रोथ रोक दी प्रोडक्शन रोक दिया और उसकी डेंसिटी कम कर दी बिल्कुल परेशान कर दिया बेटा इसने होस्ट को ठीक है बीमारी बीमारी कर रहा है दो तरीके के बेटा मेरे पास पैरासाइट होते हैं दो तरीके के एक्टो एंड एंडो एक्टो माने जो एक्सटर्नल सर्फेस पे रहते हैं ध्यान दो द पैरासाइट विच फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ होस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन के ऊपर जू जूए होती है ना बेटा कुछ बच्चों में पड़ जाती है हमारे अब तो मुझे लगता है ये नहीं होता है

हेज प्लांट ऑन अदर हेज प्लांट्स कस्क्यूटा का जो प्लांट है वो टोटल पैरासाइट है इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होती इट्स अ टोटल पैरासाइट इसके पास बेटा जी क्या होती है हॉस्टोरियल रूट्स होती हैं अगर आपको याद हो मॉर्फोलॉजी में कराया था हॉस्टोरियल या पैरासिटिक रूट्स होंगी ठीक है जी ये पैरासिटिक रूट्स बेटा जी दूसरे मेन प्लांट से न्यूट्रिशन लेंगी ये लिखा हुआ है Ascuta के पास कोई क्लोरोफिल नहीं है एंड फीमेल बिकॉज इट बॉडी ओनली फॉर रिपोर्डक्शन हो बीचता है ना आप उसको बोलोगे जो अपनी डिपेंडेंट है खाना नहीं बना होस्ट बना। अगर तुम मच्छर की बात करते हो क्या मच्छर हमारे ऊपर पैरासाइट है बेटा वे तो रिप्रोडक्शन के लिए वॉर्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का खून ले रहे हैं खाना तो अपना खुद ही अरेंज कर रहे हैं खून उनका खाना नहीं है

वो बेटा जी क्या होगा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल क्या होगा कॉम्प्लेक्स अब ब्रूट पैरासिटी समझ लो ब्रूट कोयल बेचारे घोसला है. क्रो है. क्रो है ये मेरे क्रो का घोसला है ग्रो oh. क्रो बेटा जी मेरा बड़ा भोला है याद रखना है क्रो भोला है शक्ल उसकी जैसे भी दिखे बट क्रो भोला है कोयल बड़ी चलाक है ये मेरा क्रो, क्रो का घोसला है क्रो के घोसले में बेटा क्रो के तो अंडे हैं ही लेकिन कौन आई जैसे चालाक 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 लोमड़ी लोमड़ी होती है ना चालाक ये आई आई मेरी कोयल चालाक कोयल और इसने अपना अंडा जो कि क्रो जैसा ही दिखता था वो यहाँ रख दिया अपना जो अंडा था जो क्रो जैसा ही दिखता था वो यहाँ रख दिया क्रो को पता ही नहीं चला क्रो को पता ही नहीं चला बेचारा जो क्रो था वो अपने अंडों के साथ कोयल की भी केयर करने लग गया कोयल घूम रही है उसके बच्चा पल रहा है उसको कोई टेंशन नहीं क्योंकि बड़ी चलाक है ना वो तो क्रो के घोले के अंदर रख गई है ना जी तो ये जो मेरी चलाक कोयल है क्रो के घोसले में अपना अंडा रख गई है बेटा एक तरीके का पैरासिटिज्म ही है क्रो को पता कब पता चलेगा जब बेचारे अंडे हैच होंगे अंडे फूटेंगे सारे क्रो काये काय काये एक बेचारी बीच में से निकली ब्यूटीफुल सुंदर सुरीली आवाज वाली तब क्रो को पता चलेगा ये तो मेरा था ही नहीं

बर्ड्स पे इंसेक्ट्स पे पॉलिनेशन के लिए ठीक है पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए ये भी क्या है मेरा mutualistic का डिपेंडेंट है. है, 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 है कैसे द फिक स्पीशीड ओनली वास्प फिग कहता है मेरे को अगर कोई पॉलिनेशन करेगा तो वो सिर्फ वास्प करेगा और कोई नहीं करेगा फीमेल वास्प अब कुछ तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा अगर आएगा पॉलिनेट करेगा तो फिग कुछ तो 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 फिग 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 कुछ देगा जो जो है प्लांट जो है है प्लांट वो को एक सेफ प्लेस देता है अंडे ले करने के लिए तो फीमेल द द सर्चिंग पर सूटेबल एग इन फ्रूट्स तो दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं जो मेरा फिग है, उसको फायदा हो रहा है, तो कर रहा है। लेकिन इसको मिल जा रही है जगह ठीक है सो द फिग ऑफर वास्ट सम डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर वास्ट लार्वे इसके जो वास्प के लार्वे बनेंगे उसको बेटा जी कुछ खाने पीने के लिए सीड्स भी मिल जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं दैट इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप चल रहा है ठीक है और मैं आपको बताऊं ये दोनों को एवोल्यूशन भी शो करते हैं क्या शो करते हैं को एवोल्यूशन जैसे हीर रांझा रान और मिर्जा साहिबा क्या थे तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा तो फिग भी कहता है अगर वास्प मरा तो मैं भी मर जाऊंगा वास्प इवॉल्व हुआ तो मैं भी इवॉल्व हो जाऊंगा वास्त में चेंज आया मैं भी आ जाऊंगा वास्प कहता है फिग तू बदलेगा तो मैं भी बदल जाऊंगा यानी कि को एवोल्यूशन एज वेल एज को एक्सटेंक्शन एस आर एफ पी में कराया था एक फिग प्लस वास्प और एक यका प्लांट प्लस प्रोनोबा मौत को एवोल्यूशन एंड को एक्सटेंक्शन मरेंगे तो साथ में मरेंगे जिएंगे तो साथ में जिएंगे ठीक है जी चलिए

और पेटा जी चीटर प्लांट है, है, ये बहुत चीटिंग करता है। कोई रिवॉर्ड नहीं देता नो फ्लोरल और धोखा करके बस इंसेक्ट को बुला लेता है, है।, है म्यूचुअलिज्म में, में दिया है बट एक्चुअली म्यूचुअलिज्म है नहीं है ठीक है इट इज एक्चुअली है म्यूचुअलिज्म का नहीं है बट एनसीआर बोल रही है तो तुम डाल देना धोखेदार प्लांट

वो जो स्ट्यूडो कॉपुलेशन उसने किए उतने में तो पॉलिनेशन हो गई उसके जो पॉलन चिपक गए को. बिचारे, मेल को लगा, ये मेरी फीमेल है, निकला ओफायरस तो यहाँ पर क्या हुई स्यूडो कॉपुलेशन हुई तो मैं लिख देती हूँ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन स्यूडो कॉपुलेशन और सेक्सुअल धोखा मिला यहाँ पर सेक्सुअल डिसीट मिली सेक्सुअल डिसीट मिली ठीक है और बेटा जी वैसे मैंने आपको ट्रू बता रही हूं ये म्यूचुअलिज्म के अंदर दिया है बट एक्चुअली ये किसकी है को एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है किसकी एग्जाम्पल है को एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है कह रहे हैं अगर फीमेल कॉल्पा भी अपना थोड़ा सा भी रंग चेंज करेगी तो बेटा जी ऑर्किड को भी और फायरस को भी अपना रंग चेंज करना पड़ेगा ताकि ये धोखा फिर से दे पाए है ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए तो अगर फीमेल कॉल्पा बीन ने थोड़ा बहुत भी कलर चेंज किया तो उसको भी करना पड़ेगा तभी मेल कॉल्पा बीन फिर से धोखा में फंस जाएंगे ठीक है जी यस yes, मेरे बच्चों तो विद दिस वी आर डन विद एवरीथिंग यहाँ मैं फोटो दिखा देती हूँ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज नाउ डन हम्म 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 यस ये लास्ट लाइन थी इफ फीमेल कॉल्पा में चेंज आएगा थोड़ा सा भी तो पॉलिनेशन का सक्सेस रिड्यूस हो जाएगा उससे बचने के लिए जो फायरस है उसको अपना एवोल्यूशन करना पड़ेगा बिल्कुल सेम उसके जैसा ही रंग करना पड़ेगा ये देख लीजिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वास्प पहले में क्या दिया हुआ है फिग दिया हुआ है इस पॉलिनेटेड बाय वास्प एंड वास्प को क्या फायदा मिलता है अंडे ले करने के लिए एक सेफ प्लेस मिलता है ठीक है जी यस yes? और साथ में उसके अंडे जब हैच करते हैं ना लार्वा बनता है तो लार्वा को फिर खाने के लिए थोड़े बहुत सीड्स भी मिल जाते हैं उसके फ्रूट के इस चैप्टर पे आज एक जिन्होंने भी लास्ट तक देखा मैं उनको कूडोज देती हूँ सबके बस का था ही थी, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था चैलेंज आइए किसी के बस का है नहीं जिसके बस का था वो मुझे कॉमेंट में जरूर लिख कर जाएंगे कॉमेंट करना अति आवश्यक है कमेंट में लिखकर जाएंगे आई स्टे टिल लास्ट माय डे 5 इज कंप्लीटेड लिख कर जाओगे दूसरी चीज ये 7 डेज का जो फ्री ट्रायल है ये 7 डेज का फ्री ट्रायल है ना ये खत्म हो रहा है ठीक है आज मैं आपको एक फ्री टेस्ट दूंगी जो कि पेड टेस्ट है वैसे लेकिन ट्रायल वालों को दिख रहा है 7 डेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है जेनेटिक्स का टेलीग्राम पे शेयर करूंगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सीट पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल तो वहां पर

में है और आपको अगले साल नहीं देना ट्वेंटी ट्वेंटी है और इस पे अभी आपको मिल रहा है ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्लस के सब्सक्रिप्शन पर भी ठीक है जी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर टू ईयर के भी और वन ईयर के भी तो जो बच्चे अभी क्लास इलेवेंथ में आए हैं जिनको टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है उनके लिए चालू हो चुका है आरम बैच अर्ली आरम बैच इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए बेटा जी आप कोड लगाएंगे कौन सा कोड लगाएंगे इससे आपका ट्वेंटी परसेंट का ऑफर भी वैलिड हो जाएगा साथ ही में आप मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ जाएंगे ठीक है जी यस लेकिन ये जो ऑफर है ये सोलह मार्च तक ही वैलिड है सोलह मार्च तक ही वैलिड है बाकी प्लस और आइकॉनिक की मैं बात करूं देखिए बेटा बहुत सारे फीचर्स है बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं लाइव क्लासेस है डाउट क्लियरिंग सेशन है टेस्ट सीरीज है, है यहाँ पर आइकॉनिक लेते हो तो बेटा आपके पास प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं एंड साथ में आपको एंड साथ में एक मिनट भी मिल जाता है अगले संडे बेटा जी एक टेस्ट होने वाला है अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट ये टेस्ट भी आप जरूर दीजिएगा इसके द्वारा आप लैपटॉप स्मार्ट वॉचेस स्पीकर्स पता नहीं क्या क्या बहुत सारे अच्छे अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हैं ठीक है मेरे बच्चों तो सेशन कैसा लगा बहुत बढ़िया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे और ये डीपी भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी ठीक है डीपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लेकिन कमेंट जिसका नहीं आया बेटा फिर चलेगा नहीं कल इकोसिस्टम नहीं करेंगे परसों करेंगे मैं इको की क्लास परसों कराऊंगी बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि हम प्रैक्टिस भी करें बिना प्रैक्टिस के कोई थ्योरी नहीं होती है कल मैं प्रैक्टिस क्लास लूंगी ओके जी यस तो कॉमेंट करके जाना यहां मत लिखो कॉमेंट करके जाना थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर एंड बाय बाय